जैसे ही आप मुझे बुलाएंगे मैं तुरंत दौड़ता हुआ आऊंगा और आपके इशारों पे मैं नाचूंगा. आई विल नेवर थिंक ऑफ माई ओन मेंटेनेंस बट रादर रिमेन ट्रांसपोर्टेड बाई मल्टीट्यूड ऑफ एक्सटसीज. मैं कभी भी अपने भरण पोषण के बारे में नहीं सोचूंगा और हमेशा आपकी विविध प्रकार से सेवा में परमानंद में रहूंगा. भक्ति विनोद एक्सेप्ट्स यू एज हिज ओनली सपोर्ट. श्री भक्ति विनोद ठाकुर आपको भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि आप ही मेरा एकमात्र सहारा है, मेरे सब कुछ है. सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़े ची तोमार घरे. तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे. बांधिया निकटे आमारे पालीबे रोहिबो तुमार द्वारे. रोहिबो तुमार द्वारे प्रतीप जनेरे आसीते न दीबो राखीबो गड़ेर परे. प्रतीप जाने रे आसीते न दीबो राखीबो गड़ेर परे. तव निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखीबे जहा. प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी बेजा. आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा. आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा. बोशिया शुईया तोमार चरण चिंतिबो सतत आमी. तोमार चरण चिंतिबो सतत आमी. नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी. नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी. निजेर पोषण कभु ना भविबो रोहिबो भावेर भोरे. निजेर पोषण कभु ना भविबो रोहिबो भावेर भोरे. भक्ति विनोद तुमारे पालक बोलिया वरण कोरे. भक्ति विनोद तुमारे पालक बोलिया वरण. सर्वस्व तुमार चरणे संपिया पोड़े छी तुमार घरे. तुमी तो ठाकुर तुमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद्भागवतम की जय, कालिया दमन लीला की जय, आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, समस्त कृते वैष्णव भक्त वृंद की जय, गोप्रमनंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपतांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांति राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो मिष्टपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नारिणे। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंगायते गिरिं यत्कृपादमहं मंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण। तो कालिया दमन लीला, जब तक हमने कालिया दमन लीला नहीं सुनी तब तक वही बता था कि कालिया जो है सिर्फ शोले मूवी का एक कैरेक्टर है। अरे ओ कालिया, कितने आदमी थे। पर ये कालिया वैसे नाम आया कहाँ से, क्योंकि कालिया ये कैरेक्टर है, बहुत विशेष कैरेक्टर है और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली कैरेक्टर है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंदर। सो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कि एक ऐसा आशीर्वाद मिला जो कि
बड़े बड़े दिग्गज भक्तों को वो सौभाग्य जिनको नहीं मिला, वो सौभाग्य इस व्यक्ति को मिला। यानी कि चरणों का स्पर्श को एक बार करता है, दो बार करता है, लेकिन भगवान ने ता तथई तथई थई जिसके सर पे डांस किया हो, अरे ऐसा सौभाग्य तो कभी किसी को नहीं मिला। तो कालिया जो है बहुत ही विशेष है। भगवान ने किस प्रकार से कालिया का उद्धार भी किया, और बाद में कालिया जब पूरी तरह से शुद्ध हो गया था तो कालिया को अपनी मोटर बाइक भी बनाया। हमको लगता है कलयुग में ही बाइक आई, नहीं सर, द्वापर युग में भगवान ने बाइक इस्तेमाल कर ली थी। उनकी बाइक का नाम था कावासाकी, हायाबूसा, होंडा, हीरो होंडा। सो कौन सी वाली बाइक? कालिया बाइक। भगवान जब मथुरा गए थे तो उन्होंने कालिया को बुलाया था, तो कालिया तब आया था, कालिया के ऊपर बैठे थे कृष्ण बलराम, और कृष्ण बलराम दोनों बैठ करके अब ऐसी आवाज़ नहीं थी, ऑफकोर्स नो नॉइस पोल्यूशन, नो अदर पोल्यूशन, लेकिन भगवान ने कालिया का इस्तेमाल किया था एज अ बाइक। ये कौन बता रहे? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ऐसा नहीं कि ये अमोघ संहिता से कोई निकल के आया है, बाइक कहाँ से आ गई भाई, प्रभु जी नई चीज़ बता रहे हैं आज। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि उसको बैठ करके भगवान मथुरा गए थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्रूर जी आते हैं, अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर जाते हैं अक्रूर जी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भगवान कहते हैं अक्रूर जब आ गए, चलिए हम बाइक पे आ रहे हैं, हमारी कालिया बाइक वे बेटर देन एनी अदर बाइक, कभी पेट्रोल खत्म नहीं होता, जहाँ जाना जाएंगे। तो ऐसा भी है। तो भगवान ने इस प्रकार से काले को शुद्ध भी किया। तो ये बहुत ही सुंदर बड़ी विशेष लीला है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसके अंदर। सो कालिया जब ये वृंदावन में आया, वैसे हमने प्राण बचा करके आया था, और वैसे शौबरी मुनि की जो सारी कथा मैं उसमें नहीं जाऊँगा, शौबरी मुनि ने किस प्रकार की रक्षा की थी गरुड़ जी से, क्योंकि गरुड़ जी यहाँ पर नहीं आ सकते थे और इस प्रकार से यहाँ पर सेफ थे, सो ही वॉज हेयर, वो बहुत डिटेल है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा अभी। पर यह सुकालिया भी यहाँ पर है। कालिया इतना पॉइजनस व्यक्ति है, इतना ज़्यादा पॉइजनस है ये सांप। इसके वैसे हज़ार फन है, हज़ार फन में से 100 फन और कुछ मेन वाले मेन फन है, और उनमें एक बड़ा वाला फन है, तो इस पर से 1000, 100 और 1, तो ये इसकी फॉर्मेशन है। तो ये साधारण देखने वाला स्नेक नहीं, यूजली सांप होते हैं तो एक फन वाले होते हैं, या मल्टीपल फन वाले होते हैं, तो उन सबके वो जो हुड्स होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर देयर वाज ग्रेडेशन 1001। तो इस प्रकार से कालिया बहुत ही विशाल, बहुत शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितने भी देवी देवता हैं उनमें से कोई भी 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, मिल करके भी इसको नहीं संभाल सकते, इतना शक्तिशाली है। तो इसलिए अब ये यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पर रह करके इसने सारी यमुना नदी को कंटेमिनेट कर दिया, इतना तो दुस्साहस करने का किसी का दम है ही नहीं कि पूरी यमुना मैया को ही कंटेमिनेट कर दे। यमुना मैया के भी एक तरफ जो दक्षिण भाग था, दक्षिण भाग में उसने वहाँ पर एक लेक बना दी थी, और लेक का प्रॉपर बाउंड्री भी थी, सीमेंट की बनी हुई बाउंड्री। चलेंगे कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा? अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट, या बांगूर सीमेंट, कौन सा सीमेंट? अपने जहर का सीमेंट। इतना जहर, इतना जहर, इतना विष भरा है कालिया के अंदर, अपने विष को उगल उगल करके उसने फैक्ट्री बनाई हुई थी, उसी से ही उसने एक लेक बनाई हुई थी। उस लेक के अंदर का जो पानी था वो भी अत्यंत जहरीला था, और उस लेक के अंदर उसने एक आइलैंड बनाया हुआ था। ऐसे नहीं पानी में रहेंगे तो फिर पानी में रहे, जब बाहर आने का मन हुआ उसको थोड़ा सनबाथ लेना है, तो सनबाथ लेने के लिए उसने उसी लेक के अंदर एक आइलैंड बनाया हुआ था, और वो आइलैंड भी किसका बना था? जहर का। यस, सारा जहर, इतो जहर, परतो जहर, यतो यतो यामी ततो जहर, बहिर जहर, हृदय जहर, ऐसा जहरीला प्रपद्य, ऐसा हाल था कालिया का। तो कालिया इस प्रकार से अपनी पत्नियों के साथ, उनके बच्चों के साथ वहीं पर रहा करता था, लेकिन साथ इसके साथ ये भी था कि ना जो उसकी फ्यूम्स थी, जो इस लेक थी जो बनाई हुई थी यमुना में ही दक्षिण छोर पे, जो उसने लेक बनाई हुई थी, उसकी जो फ्यूम्स आया करती थी वो इतनी जहरीली होती थी कि आकाश में इतने उड़ने वाले पक्षी हैं, अगर वो जोन में अगर आ जाएंगे उसी वक्त वहीं के वहीं मर जाएंगे, नॉट इवन अनकॉन्शियस, खत्म, प्राण गए। और क्योंकि वो जो एरिया था उसमें से हमेशा, जैसा हमने देखा जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है उसमें से क्या होता है, छपक छपक होता रहता है उसमें ना, मतलब पानी के अंदर भी वो शांत नहीं रहता, पानी भी उसमें
स्प्लैशेस होते रहते क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीला है वो, इतना ज़्यादा संक्रमण हो रखा है उसके अंदर, इसलिए उसमें से ये ड्रॉपलेट्स निकला करती थी और हवा में ड्रॉपलेट्स हुआ करती थी। जो हवा आती थी और इन ड्रॉपलेट्स को कैरी करके किनारों पे लेके जाती थी, तो वहाँ पर जो भी किनारे पे आएगा उसके आसपास के एरिया में वो भी अपने प्राण खो बैठेगा। तो इस प्रकार से हुआ करता था। सो ही मेड हिज ओन पॉइजनस अड्डा, ऐसा अड्डा कि ऊपर से इधर उधर सब जगह पर उसका इफेक्ट था, बैड इफेक्ट था। लेकिन इस सारे एरिया में सिर्फ एक स्थान था जहां पर वैसे सारी चीज वेजिटेशन वगैरह सब सूख चुकी थी, आसपास के पशु वगैरह पक्षी वगैरह सब मर चुके थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कदम का वृक्ष था जो कि एज इट इज था। क्योंकि गरुड़ जी जब इसके पीछे थे, इन्होंने सोच लिया कोई बात नहीं, तूने यहां शरण तो ली है, मैं तेरे को तो अटैक नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में कृष्ण तेरा कल्याण करेंगे बेटे लाल। तो वहां एक कदम का जो वृक्ष था उसमें गरुड़ जी ने थोड़ा सा नेक्टर रखा था कि इसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु मेरे नाथ एक समय इसी वृक्ष पर चढ़ करके कूदेंगे और इसका कल्याण करेंगे। तो इससे सिर्फ एक कदम का वृक्ष था जिसके ऊपर इस विष का प्रभाव नहीं पड़ता, सारे के सारे अदरवाइज सबका आई स्पाई धप्पा हो चुका था सबका, सिर्फ ये ही इकलौता बचा था बस। तो जब भगवान श्री कृष्ण जब सखाओं के साथ खेलते खेलते जब उनको पता लगा कि कालिया यहां पर है, कालिया कल्याण करना है, तो भगवान ने क्या किया, अपनी जो कमर थी उसको बांधा, होता ना भाई नाउ ही इज गेटिंग इनटू एक्शन। सो कृष्ण एक्चुअली एक्ट्स लाइक कि भाई अब मेरे को आई एम टू गेट इनटू एक्शन। और फिर भगवान ने अपनी कमर को बांधा अपनी बाजुओं पर कि भाई अब द मैच इज गोइंग टू बिगिन। यस, तो भगवान ने ये करते हुए अपने पहले दाएं पांव को वृक्ष पे रखा, जैसे ही दाया पांव उस कदम के वृक्ष छुआ, कदम के वृक्ष के अंदर कपकपी हुई कृष्णा, लेकिन फिर कदम के वृक्ष ने सोचा अगर मैं ऐसे एक्सटेसी में आऊंगा तो फिर कृष्ण मेरे पे चढ़ेंगे कैसे, कृष्ण फिर यमुना में छलांग मारेंगे कैसे। सो फिर कदम के वृक्ष ने अपनी एक्सटेसी को कंट्रोल किया, यानी कि सेवा ज्यादा जरूरी है, एक्सटेसी इतनी जरूरी नहीं है। हमको तो लगता है प्रभु जी कभी तो एक्सटेसी आए, कभी तो ऐसा हो हम भी हरे कृष्ण करें और हरे कृष्ण राम राम कुछ ऐसा हो, कभी तो हो, हम तो ये चाहते हैं इसी बहाने फिर हम माला किनारे रह देंगे, प्रभु जी ये हो जा रहा है क्या करें, माला कैसे होगी, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम, हम तो उस दिन 16 माला तो किनारे हो जाएगी, प्रभु जी एक्सटेसी आ गई थी मैं क्या करूँ जी। लेकिन यहाँ पर कदम के कृष्ण सोचा ना ना नहीं, एक्सटेसी आ रही है, कृष्ण का स्पर्श हुआ है, उनके चरणों का स्पर्श हुआ है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अब संभाल अपने आप को, कृष्ण की सेवा करनी है। तो उसने एक्सटेसी को संभाला और उसके बाद फिर कृष्ण ने क्या किया, एक पांव रखा था उसके बाद फिर पकड़ करके फिर एकदम उसके आखिरी छोर पे गए, क्योंकि ये जो वृक्ष था ये ऐसे झुका हुआ था, तो भले ये किनारे पे है, जहरीले सीमेंट से बना हुआ किनारा है, उसकी किनारे पे उगा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं पड़ा। और कृष्ण ने फाइनली क्या किया, कृष्ण ने जंप लगाया, और जंप भी ऐसा लगाया, भगवान ने जंप लगाया तो कुछ योजन तक पानी स्प्लैश हुआ, मतलब लगाया तो जबरदस्त तरीके से छलांग लगाई, ऐसे लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं तो थोड़ा नहीं थोड़ा ना नहीं गलती तो करते घट से नहीं, ऐसे नहीं था, वहां पूरा तैयारी के साथ छपाक ऐसे उतरे, अरे अभी तो बहुत कुछ करना। जैसे ही भगवान कूदे, जितना भी उस लेक के अंदर, अब इसके भाई बंधु भी रहा करते, चाचा मामा ताऊ, इसके भतीजे का बेटे का चाचा का ताऊ का दीदी, ये सभी रहा करते थे, जितने भी वो सांप सूप थे वो अपना बैठ के जो रोब पी रहे थे नीचे जहर का, सब यहां छपाक धूम दर दूर गिरना शुरू कर, वो डिस्टर्ब हुए, ये क्या हुआ भाई, भूचाल आ गए, भूचाल आ गए, भूचाल आ गए, भूचाल आ गए। तो इनमें कुछ पहुंचे काले के पास, पापा पापा चाचा चाचा ताऊ जी कुछ हो गया है, हमारे रू अफ्जा गिर गए, ऐसा कैसे हो गया। काले ने कहा ऐसे कैसे, ऐसे क्या क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसा ऐसे ही हुआ, हम तो ऐसे रू अफ्जा पी रहे थे, काला काला रू अफ्जा था हमारा, ऐसे क्यों छलक गया इतना, ऐसा ऐसे भूचाल आ गया, ये यहाँ पर भूचाल वाला कैसे आ सकता है। उसके बाद कृष्ण ने क्या किया, ऊपर तैरना शुरू किया, गोल 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 घूमना शुरू किया, भगवान ने पानी के ऊपर घूम रहे, पानी को घुमा घुमा के उसे बहुत सारे वर्लपूल्स क्रिएट कर दिए भगवान ने। जब ऐसा हुआ इतनी डिस्टर्बेंस,
इतनी डिस्टरबेंस कौन कर रहा है ये? हमारी इजाजत के बिना ये हिम्मत कैसे हुई? तो कालिया जो है वो पूरी तरह से क्रोध में आ गया वो। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने यहां पर आ करके ये घोषणा कर दी, अभी तुम सब की सफाई होनी है, तुम सबका अभी डिटॉक्स होना है, स्वच्छ भारत अभियान। तो वही स्वच्छ भारत कैसे होगा? सिर्फ बाहरी बाहर सफाई करने से हो जाएगा? नहीं नहीं जी, हृदय की सफाई भी तो करनी पड़ेगी। तो हृदय की सफाई कौन करता है? कृष्णा। तो स्वच्छ भारत तो तभी बनेगा, यहां स्वच्छ यमुना कैसे बनेगी? कृष्णा अभी अभी करते हैं सबकी साफ सफाइयां। तो जब भगवान श्री कृष्ण जब कूदे भी थे तो उसके बाद जो लहरें भी बनी थी वो लहरें भी रेडिश येलो ब्लूइश कलर की थी, बिकॉज ये ऑर्डिनरी वेव नहीं थी, ये सबकी सब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसकी लहरें थी। तो कालिया जब उठा, तो कालिया उठ करके जब उसने कृष्ण को देखा, कृष्ण वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे बहुत ही घना घना बादल एक जगह इकट्ठा हो गया हो, और साथ ही श्रीवत्स का उन्होंने श्रीवत्स का साइन भी है उनके उनके वक्ष स्थल पे, साथ ही कौस्तुम मणि भी है। ओ ये देख करके तो कुछ समय के लिए तो स्टंड हो गया हो, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने सोचा अरे ये भगवान की ना सुंदरता इतनी है कि ना दुश्मन भी एक बार देखता है ना तो कुछ सेकंड के लिए तो शत्रुता भूल जाता है, ओए तेरी इतना सुंदर आदमी कौन आ गया भाई। कुछ समय के लिए तो दुश्मन भी खोल लेते हैं, रावण के साथ भी हुआ था, रावण ने जब राम जी को देखा था ना तो उसने उसको लगा अरे इससे लड़ना है क्या, तो बहुत सुंदर है। तो काले के साथ भी हुआ, काले ने जब देखा ना कृष्ण को, ये तो बहुत सुंदर है, नहीं फिर जहर फिर से उसके आ गया, बुद्धि के ऊपर छा गया उसके, कहा अरे इसको मैं अभी बताता हूँ। और उसने क्या किया, ही मेड द कॉयल, उसने कॉयल बना करके कृष्ण को बांध लिया, और बार बार अपनी आंखों से ना उसकी अग्नि निकल रही थी, और उसकी बाइफर्केटेड टंग थी, बार 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 निकल रही थी। और उसने क्या किया, कृष्ण के चेस्ट पे मारा ठक। अब कृष्ण जो है यहां पर एकदम मोशनलेस है, और ये देखकर श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, ये देखकर कि ना कृष्ण मोशनलेस है, सो कालिया बार बार उनको चक, चक, बार बार डसे जा रहे हैं, नहीं कृष्ण मोशनलेस है। उसको बेसिकली भगवान मोशनलेस इसलिए थे, भगवान ने कहा ब्रजवासी आगे क्या, ब्रजवासी नहीं आए, अरे तो अभी एक्शन दिखा के क्या होगा, तो ऑडियंस भी तो होनी चाहिए, अभी हम लीला करेंगे, ऑडियंस ही नहीं, जंगल में मोन नाचा किसने देखा, थोड़ी होता तो कृष्ण मोशनलेस है। और लेकिन काली एजिटेट हुए जाए, अरे ये क्या है, ये क्या भाई, अरे मैं आई एम किसिंग यू अगेन एंड अगेन, भाई जो लवर होता है, लवर अगर किस करता है वो एक्सपेक्ट करता है अब सामने वाला बिलावड ही मुझे किस करेगा, और वो बिलावड और वो हिल नहीं रहा। तो चले सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ना वहां पर कालिया वॉज बिकमिंग रेस्टलेस, दैट डार्लिंग आई हैव हग्ड यू, आई एम किसिंग यू, व्हाई आर यू नॉट किसिंग बैक। अब कृष्णा बताएंगे तेरे को क्या किस करेंगे, अभी तेरा बॉडी डिटॉक्स चलना है अभी तो। तो कृष्ण हिल नहीं रहे, तो कृष्ण जो है मोशनलेस है एकदम, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं यहां पर भाई सब आ गए नहीं आ गए। तो सबसे पहले तो नंद महाराज और उनके जो गोप सखा जाए थे वो दौड़ते चले आए वहां पर, और जब उन्होंने देखा इस प्रकार से कृष्ण कालिया के कॉयल में उसकी कुंडली में के बीचों बीच है और हिलडुल नहीं रहे, वो रोना चाह रहे हैं रो नहीं पा रहे, बिकॉज ही वाज शॉक्ड। इससे पहले अब जितने भी राक्षस हुए ना वो ये हुआ राक्षस को मारा उसका कल्याण हुआ, ब्रजवासियों के पास तो खबर पहुंचती थी कि जी कृष्ण ने उसका ऐसे कल्याण कर दिया, लेकिन यहां पर दे वर सीइंग द लाइव एक्शन। जय श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जाय, प्राण सिंह देव जी की जाय, श्री गौर निताय की जाय। लेकिन यहां तो वो साक्षात देख रहे हैं अरे कृष्ण यहां पर कॉयल में है कालिया के। तो जितने भी वहां गोपगण हैं उनके अंदर तो ये इच्छा आ रही थी कि हम कूद जाएं, हम कूद जाएं और जाकर कृष्ण को बचा लें। इसके बाद यशोदा मैया भी आए, उनके साथ जो वात्सल्य भाव में जो गोपियां हैं वो भी आई, और उनमें यशोदा मैया तो दौड़ करके उसमें कूद जाना चाहती हैं। अब देखिए ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम के अंदर कैलकुलेशंस नहीं होती, वेयर देयर इज लव देयर इज नो लॉ, एंड वेयर देयर इज लॉ बिकॉज देयर इज नो लव।
इस जगत में लॉ क्यों चाहिए? बिकॉज देयर इज नो लव. सो दैट्स व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड. ट्रैफिक लॉ, ये लॉ, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, ये लॉ वो लॉ करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो लव. लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत के अंदर वहां पर क्या है? देयर इज ओनली लव. और इसलिए वहां लॉ नहीं है. हम सोचें पर इसमें काफी फ्यूम्स निकल रही हैं, काफी जानवर मर गए हैं, काफी लोग बेहोश पड़े हैं, वेजिटेशन भी देखो ना कैसे इनका हो गया है, आंदनी जाते हैं, दूर से चिल्ला लेते हैं कृष्णा आई लव यू कृष्णा, ओ कृष्णा. कैलकुलेशन कितने डिस्टेंस पे, जहां पर फ्यूम्स थोड़ी कम हो. फ्यूम्स कहाँ कम आ रही है? यहाँ पर. ओ यहाँ बहुत ज्यादा फ्यूम्स है, थोड़ा पीछे होके पीछे जाके ओ कृष्णा आई लव यू कृष्णा. ऐसी नौटंकीबाजी नहीं है भगवान के धाम के अंदर. सो वहां पर यशोदा मैया इज नॉट मेकिंग एनी कैलकुलेशंस. वहां ये सोच नहीं रही कि दिस लेक इज बॉइलिंग लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. वो प्रेम में दौड़े जा रही है कृष्ण की ओर. यानी व्यक्ति को अपने बारे में कोई होश नहीं रहता. दैट्स द नेचर ऑफ लव एंड ऑफ वृंदावन. एक्चुअली वैकुंठों के अंदर जो प्रेम है भगवान नारायण के प्रति, वहां पर सारे भक्त सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं, नो अल्टीरियर मोटिव्स, भगवान की प्रेम में ही सेवा करते हैं. लेकिन प्रेम का और ज्यादा गाढ़ा रूप है गोलोक वृंदावन के अंदर, जहां पर सिर्फ सेल्फलेस नहीं है, सेल्फलेस होने के साथ साथ सेल्फ फॉरगेटफुल है. अपने बारे में इनको कुछ पता ही नहीं. दे आर जस्ट दे आर लॉस्ट इन कृष्णा, दे आर रशिंग टुवर्ड्स कृष्णा. सो होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है. हम लोग होश वाले लोग हैं ना, ये बेखुदी क्या होती है भगवान को लेकर के, व्हाट इज दिस फीलिंग, इस बात का हमें कोई अंदाजा ही नहीं है. तो इसलिए जितने गोप हैं, जितने वासल इसमें गोपियां हैं, ये सब के सब ये सोच रहे हैं ओ कृष्णा कृष्णा तुम यहां पर अब काले के की कुंडली में, अब उसका क्या होगा अब ओ कृष्णा. और जितनी माधुर्य रस की गोपियां हैं वो सोच रही हैं ओ कृष्ण का हमको देखना, कृष्ण का हमसे बातें करना, कृष्ण के साथ हमारा वो समय बिताना, वो सारे समय को रिकॉल कर रही हैं. एंड दे आर स्टंड. वो रो भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि व्यक्ति रोता तब है जब वो कम से कम उसको वो होश तो, बट दे आर स्टंड शॉक्ड. जब व्यक्ति शॉक की अवस्था में होता है, स्तब्ध अवस्था में होता है, तो आंसू भी क्या निकलेंगे, अश्रु भी क्या निकलेंगे. तो इसलिए जो गोपियां इत्यादि हैं सबके सब स्तब्ध हैं. और भगवान ने लीला को कैसे और एग्रीवेट किया, भगवान ने क्या किया, डेमीगॉड्स को बोला, डेमीगॉड्स देवी देवता लोग यहां पर अशुभ लक्षण दिखाओ. भाई लीला में थोड़ा और एडवेंचर होना चाहिए ना, तो इसलिए आकाश में भी दिखाओ, आकाश में ना अपशगुन दिखाओ. तो आकाश में अपशगुन होने शुरू हो गए, आकाश में मीटियोर्स गिरने शुरू हो गए. तो मीटियोर्स अगर गिरते नजर आते हैं अगर आकाश से, बहुत बड़ा अशुभ लक्षण माना जाता है. ये धरती में भी अशुभ लक्षण थे, धरती में अशुभ लक्षण थे, यहां धरती कांप रही थी, धरती में अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक आना भी अच्छा नहीं माना जाता. साथ ही जितने भी लोग थे उनकी बॉडी शिवर कर रही थी, एस्पेशली जो पुरुष थे उनकी बाई आंख फड़क रही थी. अगर पुरुषों की बाई आंख फड़कती है ये अशुभ माना जाता है, दाई आंख फड़के तो अच्छा माना जाता है, बाई आंख फड़के तो अशुभ माना जाता है. माताओं में उल्टा होता है, माताओं की अगर बाई आंख फड़के तो अच्छा माना जाता है, दाई आंख फड़के तो बुरा माना जाता है. और ये यही हो रहा था, माताओं की दाई आंख फड़क रही थी, पुरुषों की लेफ्ट आंख फड़क रही थी. देखा ये भी अशुभ लक्षण, ये भी अशुभ लक्षण, अशुभ 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 अशुभ. लेकिन अशुभ को शुभ बनाना ये कृष्ण का कार्य है. तो भगवान उसको अल्टीमेट अशुभ बनाते हैं, उसको कहते हैं हो गया अल्टीमेट अशुभ, अब देखो मैं बनाता हूं इसको शुभ. दैट इज कृष्णा. जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो उस वक्त श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं काल परम शोभनम. लेकिन एक्चुअली काल एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग वॉज नॉट शोभनम, एक अशुभ समय था वो. अगर रोहिणी नक्षत्र हो और अश्विनी कॉन्स्टिलेशन साथ साथ हो, ये एक अशुभ लक्षण है. दिन का समय शुभ माना जाता है, रात का समय अशुभ माना जाता है. और भगवान श्री कृष्ण प्रकाटे कब हुआ, रात के समय हुआ, अशुभ. उत्तरायण नहीं है, दक्षिणायन है, अशुभ. सारे लक्षण क्या है, अशुभ अशुभ अशुभ. नहीं श्री सुखदेव गोस्वामी हो क्या, उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, टंग स्लिप हो गई उनकी. और काल परम शोभनम, अशुभ को शुभ बनाना यही तो खास बात है. सक्सेस स्टोरी को सक्सेस उसमें जुड़ना कौन सी खास बात है, लेकिन जो अभी सक्सेस स्टोरी नहीं है उसको सक्सेस स्टोरी बनाना ये खास बात है. जैसे इस्कॉन पंजाबी बाग ये सक्सेस स्टोरी है, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी ने उसको सक्सेस स्टोरी बनाया, उनके साथ और जो डेडिकेटेड डिवोटीज हैं दे मेड इस्कॉन पंजाबी बाग अ सक्सेस स्टोरी.
लेकिन विशेष बात इसके अंदर है, जहां पर सक्सेस स्टोरी ना हो उसको सक्सेस स्टोरी बनाना, दैट इज वेरी स्पेशल. इस्कॉन रोहिणी वॉज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, लेकिन केशव मुरारी प्रभु जी यहां पर आए और उन्होंने इसको सक्सेस स्टोरी बनाया, ये खास बात है. ये तो हम भी रहे, हाँ मतलब सब नहीं मिलजुल के, फौज के नेता हमारे प्रभु जी रहे, लेकिन उनकी साथ साथ उनकी प्रभु जी की फौज करती है मौज, तो सबने मिलकर के इसको बनाया. लेकिन नो डाउट पर केशव मुरारी प्रभु जी चाहते हैं भाई इस्कॉन पंजाबी बाग में रहते और वहाँ पर बढ़िया चल रहा है, वहाँ हरी कथाएँ बढ़िया हैं, डी टी वर्शिप, कॉन्ग्रीगेशन, यूथ प्रीचिंग, धूम धड़ाका सब बढ़िया चलते रहें. सो सक्सेस स्टोरी में जुड़ करके वहाँ पर हरी बोल करना कौन सी बड़ी बात, जो सक्सेस स्टोरी नहीं है वहाँ जाके सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना ये खास बात है. तुम्हारे कृष्ण मुरारी प्रभु जी ने उनके साथ जुड़े हुए जो भक्त हैं वैकुंठ चंद्र प्रभु और सब डिवोटी से मिलकर के यहाँ पर दे हैव क्रिएटेड द सक्सेस स्टोरी एंड सक्सेस इज अ जर्नी. सो इसीलिए ये खास बात है, ऐसे ही होना चाहिए. तो हमें अलग अलग स्थान पर जाना चाहिए, वी हैव टू क्रिएट सक्सेस स्टोरी. तो भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या क्या सक्सेस स्टोरी बनाई, अशुभ को बनाया शुभ. हमारे प्रभुपाद जी ने भी यही किया. प्रभुपाद जी ने कहा ओके हम इस्कॉन का सेंटर खोलेंगे जहां माया सबसे अधिक स्ट्रांग है. सबसे अधिक स्ट्रांग कहां है पूरी दुनिया में, अमेरिका. अच्छा अमेरिका में कहां पर जी, अमेरिका में न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क के अंदर माया सबसे अधिक स्ट्रांग कहां है, बाउरी स्ट्रीट, पहला सेंटर वहीं पे खोलेंगे. माया देवी तेरे गढ़ के अंदर जाकर के हम गढ़ के अपना सेंटर खोलेंगे. दैट इज वेरी चैलेंजिंग. सो यहां पर कृष्ण भी जो है क्या क्या पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अशुभ बना दिया. ऊपर भी अशुभ, निहा भी अशुभ, सबकी आंख फड़कना अशुभ 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 अशुभ. भगवान ने कहा दैट्स वेरी नाइस वेरी गुड. लेकिन अब इतने भी थे, अब यहां पर पूरे इस इंसिडेंस के अंदर बलराम जी हालांकि नहीं थे, बलराम जी बाद में पहुंचे. उन्होंने देखा सारे ये गोप गोपियां ये सब दौड़े चले आ रहे हैं और इनमें कुछ यशोदा मैया नंद महाराज और ये सब तो कूदना चाहते बल्कि नदी के अंदर. तो बलराम जी ने कहा ये कृष्ण मतलब एक बहुत बढ़िया लीलाधारी है हमारे, मेरे मेरे मेरा भाई कृष्ण. तो फिर उन्होंने, लेकिन बलराम जी वहां स्माइल कर रहे हैं, तो वहां पर उनको आश्वासन दे रहे थे वो, अरे कुछ नहीं. तो बलराम जी को ऐसा स्माइल करता देख करके तो फिर तो नंद महाराज और यशोदा मैया और बाकी गोप गोपियां इत्यादि वो थोड़ा थमे, इतना मतलब सीरियस लेकिन वो अच्छा. तो इस प्रकार से बलराम जी सबको आश्वासन दे रहे थे तो सबके सब थम गए. लेकिन साथ ही बलराम जी सोच रहे थे क्या कृष्णा यू आर अमेजिंग, क्या मतलब ये यहां पर मतलब इसका कल्याण करने के लिए, काला कल्याण करने के लिए वहां पर हो अभी आप है हा? लेकिन मिला भी कौन आपको, ये चाइना मेड कालिया. अरे हम अनंत शेष के रूप में हमारे साथ कर लेते थे योली लीला, आपको यही मिला, कालिया ही मिला आपको हा? चलो कोई नहीं कर दो इसका उद्धार कर दो आप. लेकिन ये सब वैसे डर रहे हैं कुछ नहीं, ये चाइना ब्रांड नकली माल एकदम. लेकिन उस वक्त भगवान बलराम जी के हृदय में भी इच्छा आई थी, ये हम भाई हमारे ऊपर आप कर लिया होता है सब, आप डांस डूंस आपको करना है हमारे ऊपर कर लेते हैं, हम क्या हम तो ओरिजिनल माल है एकदम. तो एक समय अनंत शेष के रूप में उन्होंने भगवान ने बोल भी दिया, भगवान काले में आपने डांस किया, हम भी डांस कर लेते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, आप जितने हुड्स बोलते हैं हम उतने हुड्स बना देते हैं, स्टेज तो हम भी तैयार कर सकते हैं, हम भी इवेंट मैनेजमेंट में हैं आपकी और क्या. तो भगवान ने फिर एक समय ये इच्छा पूरी की थी अनंत शेष जी की, बलराम जी की इच्छा पूरी भी की थी उन्होंने, कावेरी की भी इच्छा थी कि कावेरी ने बोला कि भगवान यमुना को तो सौभाग्य मिला कि आपने उसमें नृत्य किया, उसमें विहार किया, लेकिन मेरे को तो सौभाग्य मिला नहीं. तो भगवान कभी हमको भी मौका दीजिए ना. भगवान का ठीक है, दो भक्तों की इच्छा है, दोनों की इच्छा एक साथ पूरी करते हैं. तो भगवान ने एक समय ऐसा किया था, भगवान ने ओके अनंत शेष आई वुड डांस ऑन योर हुड्स. उसके बाद भगवान क्या करते थे, कावेरी में जंप भी लगाते थे और साथ ही अनंत शेष के हुड्स पे डांस भी करते थे. तो भगवान ने इस प्रकार से उनकी भी इच्छा पूरी की थी. हालांकि बढ़िया सुन के मन में था कि क्या मतलब चुना भी आपने क्या है, ये नकली माल कालिया, चलो कोई नहीं, लकी चैप, वेरी गुड. उसके बाद जितने भी और गोपी दादी थे वो सबके सब आ रहे थे दूर दूर से, प्रैक्टिकली पूरा ब्रज वहां पर इकट्ठा हो गया था कि कृष्ण हमारे यहां पर हैं.
और आसपास देख रहे हैं गोप इत्यादि बेहोश ही पड़े हो, बट स्टिल यू वर एंशियस कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जितने भी गोप इत्यादि थे वो सब के सब उसी स्पॉट पे पहुंचे जहां पर ये लेक थी, उसी स्पॉट पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? कृष्ण के चरण जो चिन्ह है उनको फॉलो करते करते करते। अब हालांकि देखिए अब ब्रजरज है तो ब्रजरज पे तो बाकी लोग चलेंगे तो उनके भी चरणों के चिन्ह के निशान बनेंगे, लेकिन कृष्ण के चरणों में विशेष रूप से चिन्ह है, उसमें गदा भी है, उसमें कमल भी है, उसमें अंकुश भी है, उसमें थंडरबोल्ट भी है, उसके अंदर ऑक्टागन भी है, उसमें जामुन भी बने हुए हैं, उसमें तीन कॉन्सेंट्रिक ट्रायंगल्स भी हैं, उसमें मछली भी बनी हुई है। इस प्रकार से देयर आर 19 सिंबल्स ऑन कृष्णास लोटस फीट। तो कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनके चरणों के निशान बढ़ते हैं ब्रजरज के ऊपर। तो अगल बगल में गैया के भी निशान थे, गोपों के भी निशान थे, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया, सिर्फ कृष्ण के चरणों को फॉलो किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इसी प्रकार से जो प्रमाणिक योगी होते हैं वो इधर उधर की प्रोसेस में नहीं फंसते, वो सिर्फ कृष्ण की ओर आगे बढ़ते हैं, ऑन द वे टू कृष्ण, फॉलोइंग कृष्णास लोटस फीट। तो वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में और भी कई चीजें हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये कांड, वो कांड, वो बिल्कुल कांडिया नहीं बनते, दे बिकम गौड़िया, नो कांडिया, बाकी सब ये ऐसा नहीं, वो चरण भक्तों के चरण है, उनको बोले ओ भक्तों के चरण मतलब कांडिया है, प्रभु के चरण वो भक्तिमय है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर, नो डाउट। लेकिन वो किसको फॉलो कर रहे हैं? कृष्ण के चरणों को देख रहे हैं वो, मतलब कि सारे झुंड के अंदर जो चिन्ह है उनमें कृष्ण को देख पा रहे हो। तो इसी प्रकार से एक प्रमाणिक योगी देख पाता है कि क्या प्रमाणिक विधि है, क्या अप्रमाणिक विधि है, और वो प्रमाणिक विधि का पालन करता है। तो सबके सब दौड़ दौड़ करके आए और वहां पर अब सबके सब बहुत ही भावविहल हो रखे हैं। तो कृष्ण ने देखा कि सबके सब इस प्रकार से बड़े चिंतित हैं, हालांकि बलराम जी ने उनको सांत्वना दी है कि चिंता मत करो, अरे कृष्ण ऐसा संभाल लेगा और क्या, ठीक हो जाएगा, आप मत कूदो, गर्गाचार्य ने बोला था ना इसकी लंबी आयु होने वाली है, इसकी लंबी आयु होगी, आप लोग कूद लोगे, आपको कुछ हो गया, कृष्ण बाहर आएंगे, ठीक होंगे, कौन देखेगा उनको, हु विल टेक केयर, पेरेंटिंग टिप्स। फिर उसने सब सोच रहे थे, हाँ सही बात है, गर्गाचार्य जी ने वैसे प्रेडिक्शन तो की हुई है हमारे कृष्ण को लेकर के, तो इसलिए सबके साथ थम भी गए थे। लेकिन कृष्ण देखा, लेकिन सबके सब लेकिन खड़े तो हुए हैं, लेकिन सबके सब बहुत तनाव में, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, क्या किया जाए। तो कृष्ण का चलो ठीक है, अब एक मुहूर्त हो तो गया, एक मुहूर्त बहुत टाइम होता है सबको इकट्ठा करने के लिए, सो एक मुहूर्त के लिए तो भगवान वहां पर मोशनलेस रहे। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, एनएस जैसे कृष्ण अपने शरीर को एक्सपैंड करना शुरू किया तो जो कॉयल थी कालिया की उसमें स्ट्रेन पड़ना शुरू हुआ, अब उसकी सीटी बजनी शुरू हुई। अभी वो तक कालिया सोच रहे थे ये मोशनलेस क्यों है, ये इतनी हिल क्यों नहीं रहा, अब हिलना क्या, उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया कृष्ण ने। कृष्ण ने एक्सपैंड करना शुरू किया तो उसके मसल में पेन इतना ज्यादा हुआ, उसको लगा ये मेरे ना मसल फट जाएंगे एक्चुअली, तो उसने अनकॉयल किया कृष्ण को। जैसे कृष्ण को अनकॉयल किया तो कृष्ण ने क्या किया, काले के चारों ओर तैरना शुरू किया, जुग जुग, और इतने तेज घूमे, इतनी तेज घूमे, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें काले तो कालिया बेचारा फटीक तो इसी में हो गया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भगवान ने घुमा घुमा के उसका आधा डिटॉक्स वहीं कर दिया उसका। फिर कृष्ण जब इस प्रकार से चारों ओर घूमे उसके, जब वो और चक्कर खाने की वजह से क्या हुआ, कालिया जब चक्कर होता तो क्या होता है, तो सारे जो एक एक हजार 1101 जो हुड्स थे, 1101 ये सब के सब जब चक्कर में घूम रहे थे, मतलब अब जो फन है वो बहुत ज्यादा फनी हो गए हैं, ऐसे फनी हो गए फन के ऊपर भगवान ने कहा अब हम इस पे डांस करेंगे रे। तो वहां बताया जा रहा श्रीमद् भागवतम में कि भगवान कृष्ण है कला आदि गुरु, जितनी भी कलाएं हैं उनके आदि गुरु हैं कृष्ण, तो इनमें डांस करने की कला भी है, तो डांस करने की कला के भी आदि गुरु हैं कृष्ण, तो कृष्ण का नाउ आई विल डांस। और काली ऐसे ही रहता है अगर तो कम हिलडुल रहा है, लेकिन अब वो जब नशे में चूर हो चुका है चक्कर घिन्नी में, अब भगवान ने कहा हम इसके ऊपर डांस करेंगे अब, यस लाइक निडजी, निडजी नाम का एक फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर,
तो उसने बोला था आई वुड हैव बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ गॉड कुड डांस, अगर भगवान नृत्य कर सकते तो मैं भगवान पे विश्वास करता, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में ना भगवान इज वेरी स्टैटिक, वेरी बोरिंग काइंड ऑफ, ओ दाढ़ी वाड़ी होगी होगी हुई है, भगवान बूढ़े हो चुके हैं, और लिटजी का कहना था भगवान 6 दिन में उन्होंने प्रकृति बनाई, सृष्टि की रचना की, और ये करके भगवान इतने थक गए थे कि भगवान उसमें मर गए. एज पर लिटजी, गॉड इज डेड, अंडरसाइंड लिटजी. तो कुछ समय बाद लिटजी का एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और वो मर गया. उसकी कब्र के ऊपर लिखा हुआ था लिटजी इज डेड, अंडरसाइंड गॉड. सो लिटजी डिड नॉट नो, अरे भाई भगवान तो नटवर हैं, कृष्णा इज नटवर. शिवजी को बोला था दैट वो है नटराज, नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ है शिवजी. लेकिन कृष्ण कौन है? नटवर वपु. एक तो होता है किसी व्यक्ति ने किसी कला को सीखा, एक है उस कला का प्रतिरूप, नटवर वपु दैट इज कृष्णा. इफ डांसिंग जो कला है ना, इट टेक्स अ फॉर्म, दैट इज कृष्णा, वो कृष्ण ही फॉर्म होगी. तो भगवान ने नृत्य करना शुरू किया. अच्छा भगवान अब नृत्य भला किस जगह पे कर रहे हैं? अब स्टेज देखिए, किसी भी डांसर से पूछा जाए कि आप डांस करने के लिए आएंगे, कहते हैं पहले आप मुझे दिखाइए स्टेज क्या होगा. एक दिन पहले आकर के डांसर आता है, देखता है स्टेज को, धक्का वक्का देता है, उसे लात वात मारता है, कहते हैं हाँ मजबूत है, दुम 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 दुम, हाँ बढ़िया है बढ़िया है, अच्छा है, दौर जरूर लगाइए, हाँ फिर सब जगह चलेगा, थर 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 थर, तो पूरा देखिएगा कहीं पे कोई गड्ढा वड्ढा तो नहीं, तो तक दे दुम नीचे चले गए वो, तो डांसर साहब तो निकल ही गए गुफाओं से. तो इसलिए वो आके स्टेज वगैरह चेक करता है. लेकिन कृष्ण का स्टेज देखिए क्या है, कृष्ण का स्टेज जो है वो स्लिपरी है. एक तो पॉइजन का उस पर लुब्रिकेशन चढ़ा हुआ है, साथ साथ में वैसी स्किन स्लिपरी होती है सांप की. तो स्लिपरी स्टेज के ऊपर डांस करना, कोई करके दिखा दे. हमने एक समय हम लोग मंदिर साफ कर रहे थे, तो हमने साबुन से मंदिर धोया था, साबुन से मंदिर धोया तो पूरा क्या स्लिपरी हो गया था, उसमें चलने में हमको दिक्कत हो रही थी. तो हम जब पोछा जब किसी को देखने जाते थे तो भक्त क्या करता था, दूसरा भक्त उसको धक्का दे देता था और ये स्लिप होते वहां रुकता था, उसको पोछा देता प्रभु जी पोछा, फिर वो भक्त इसको वापस धक्का देता था और फिर ये मैं पोछा दिया आया. स्लिपरी जगह पर तो चला नहीं जाता, डांस करना तो दूर की बात, तो स्लिपरी है. सो ये जो फन है कालिया के, ये स्लिपरी है, एंड कृष्णा इज डांसिंग ऑन स्लिपरी स्टेज. अच्छा और स्टेज की क्या खास बात है, स्टेज अगर स्टैटिक हो तो डांस करते हैं, स्टेज अगर हिलता हो तो, क्योंकि ऑलरेडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके वैसे ही हो रखा हो, इसलिए ये स्टेज हिलता हुआ स्टेज है, ये और डिफिकल्ट बात है. हिलते हुए स्टेज में कौन डांस करता है जी, हिलते हुए स्टेज में तो गिरना है, हड्डी तोड़वाना है, पर ये हिलता हुआ स्टेज है. अच्छा यूजली स्टेज क्या होता है, एक स्टेज होता है, भगवान ने 1101 स्टेजेस के ऊपर डांस कर रहे हैं, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर, कभी यहां डांस करते हैं कभी उस पर डांस करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस पे डांस कर रहे हैं भगवान, वाह. अच्छा स्टेज कैसा होता है, या तो चौकोर होता है या रेक्टेंगुलर होता है, यहां पर ना चौकोर स्टेज है ना रेक्टेंगुलर स्टेज है, यहां तो सांप का हुड है, ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें कौन डांस करेगा, इसमें कौन कोरियोग्राफी करेगा जी, और ये यहां से ढलान आगे ढलान यहां ढलान वहां ढलान, इसमें कौन डांस करेगा, तो इसीलिए अनइवन भी है. साथ ही क्योंकि मल्टीपल हुड्स हैं तो कोई स्टेज ऊपर है कोई स्टेज नीचे है, तो भगवान नीचे भी डांस करते हैं ऊपर भी डांस करते हैं, इसमें भी डांस करते हैं उसमें भी डांस करते हैं, स्टेज ऊपर नीचे भी है, एक तो अनइवन है, ऊपर से ऊपर नीचे भी है, स्लिपरी भी है, अरे इसलिए नटवर वपु. ये कृष्ण आप क्या है, आप तो वास्तव में नटराज राज है, यू आर वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ डांसिंग. और विशेष रूप से भगवान क्या कर रहे थे, भगवान उस फन के ऊपर अपने डांस करने के लिए जाते थे और टक टक मारते थे, जोन सा होड गुस्से में उठता था, माने अच्छा तेरी इसी पर डांस करता हूं अभी, तब फिर उसमें जाके भगवान तक 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 और फिर उसके फिर उस फन से फिर खून निकलेगा, डिटॉक्स हो रहा है, इट्स ओके इट्स ओके, पतंजलि में आयो तो यही अभी कर दे तुम्हारा ठीक हो जाएगा तुम्हारा. लेकिन दूसरे फन को गुस्सा आ गया, अगर तो उस फन पे ऐसे आपने कैसे डांस किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई है, तो भगवान अब इससे छलांग मार करके इस फन पे आएंगे और फिर वहां पर डांस करना शुरू करेंगे.
और वो भी वहां बता डिटॉक्स्ड। अब भगवान जब डांस कर रहे हैं, अब डांस करना होता है तो डांस में कोई म्यूजिक तो होना चाहिए ना, बिना म्यूजिक को डांस कैसे करेगा भाई। इतने अगर नटवर बपू हैं तो म्यूजिक होना चाहिए, भगवान का म्यूजिक नहीं है, चलो मैं मुंह से म्यूजिक निकालता हूं। सो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने मुंह से म्यूजिक निकाल रहे हैं, ता तई तई ता तक तई तई ता तक तई 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 आय 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 तई 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 ओ ओ ओ तई 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 ओ ओ ओ तई 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 आ आ आ तई 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 तक तक तई 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 तक तई 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 तक तई 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 तक तई मर गया मर गया तई तई मर गया रे मर गया तई तई तक तक तई तई तक तक तई 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 ता 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 तई तक तई तक तई। अब जितने देवी देवता थे वो कहते तो वो प्रभु को म्यूजिक का भी खुद ही इंतजाम करना पड़ रहा है, शर्म है, धिक्कार है हम पर कि कृष्ण को डांस भी करना पड़ रहा है म्यूजिक प्रभु ना भाई। किन्नर सिद्ध इत्यादि गंधर्व लोग अरे आओ भाई चलो जा करके कंट्रीब्यूट करें, भगवान डांस कर रहे हैं तो सबके सब ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के, कोई तंबूरा लेकर के आ गया, कोई मृदंग लेके आ गया, कोई करताल लेके आ गया, कोई हारमोनियम लेके आ गया, कोई गिटार लेके आ गया, कोई पियानो लेके आ गया। चलो भाई और बहनों, सॉरी भाई और बहनों, बहन तो कोई मानता नहीं वहां पर, आयो सबके सब, सबके सब वहां पर सामने थे मृदंग, किसने मृदंग बजाना शुरू कर दिया, किसने करताल बजाना शुरू कर दी, ये भी कर रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन हो रही है कौन डांस करे कौन बजाए। कहते हैं इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं भगवान। तो जितने भी देवी देवता थे बड़े प्रसन्न चित्ते, अरे क्या प्रभु, और स्पेशली वो तब खुश होते थे जब कालिया का फन ऊपर उड़ता था ऐसे कैसे, और फिर भगवान उसी फन पे जाके तई तक तई 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 भगवान कहते वाह। जितने भी बाकी जो देवी देवता कहते अरे क्या बात है, डिटॉक्स डिटॉक्स फ्लावर्स फ्लावर्स। तो देवी देवता लोग जो थे वो फूलों की वर्षा कर रहे थे, यानी कभी भी बद्ध जीवात्मा का शुद्धिकरण होगा तो देवी देवता खुश होते हैं उसके अंदर। वास्तव में जब किसी भक्ति दीक्षा होती है ना, देवी देवता वहां पर दीक्षा प्रोग्राम में आते हैं और रोते हैं खुशी के आंसू। ये देखो हम तो देवी देवता बन गए, हम यहाँ पर बस यही कर रहे हैं, अप्सराबाजी कर रहे हैं, इसको लाइन उसको लाइन, इसका चक्कर उसके साथ, इसको देखा उसको देखा, नंदन कानन यहाँ वहां डुक्की हुई, आई लव यू टू, यही कर रहे हैं, ये देखो इसकी दीक्षा हो गई, ये बंदा भजन करके निकल लेगा, क्या सौभाग्य है रे क्या सौभाग्य। तो इसलिए वो खुशी खुशी के अश्रु जो है वो रोते हैं देवी देवता। तो यहां पर भी बड़े खुश हैं वो, स्पेशली जब जब दमन होता है किसी भी फन का जो उठ रहा है घमंड में क्रोध में आक्रोश में, भगवान उसी को चुनते हैं। अच्छा बहुत गुस्सा आ रहा तुमको है, तो भगवान जब उसका घमंड चूर चूर करते हैं, उसकी वो अकड़ उसकी हेकड़ी तोड़ते हैं भगवान, ये देख करके जो देवी देवता है सिद्ध किन्नर इत्यादि ये सब कुछ बड़े खुश होते हैं, गंधर्व इत्यादि बड़े खुश होते हैं, वाह क्या बात है, ए बहुत बढ़िया ये बहुत। तो देवी देवता जो होते बहुत खुश हो रहे थे इस प्रकार से कि वाह भगवान किस प्रकार से शुद्ध कर रहे हैं। साथ ही भगवान क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे और गोपियों को और देखा, जो माधुर्य रस में जो गोपियां थी उनको देखा, उनको देखा, उनको इशारा किया, कहना स्टेप्स यही चलेंगे रासलीला में, कोरियोग्राफी ट्यूटोरियल है ये, भगवान का अपना खुद का ट्यूशन सेंटर है ना, नटवर बापू डांसिंग ट्यूटोरियल्स। तो भगवान ने वहां पर कोरियोग्राफी जो कर रहे हैं सास में गोपियों को इशारा भी कर रहे हैं, नोट डाउन द स्टेप्स 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 6 7 8 9 10 1 2 1 2 1 2 1 2। और गोपियां ओके यस यस ओके पर इधर श्रुति धर है, एक बार देख लिया सारा नोट डाउन हो गया। अब क्योंकि भगवान को 10,000 करोड़ गोपियों के साथ अगर नृत्य करना है सो कोरियोग्राफी शुड बी वेल डिफाइंड, नहीं तो सोचे ना सारी गोपियां कंफ्यूज हैं क्या करना है यहाँ पर, बैले करना है सालसा करना है व्हाट, बता रहा हूँ कालिया के ऊपर करके बता रहा हूँ, जस्ट डू दैट ठीक है जी, जस्ट सी द ट्यूटोरियल। तो भगवान ने इस प्रकार से काले के ऊपर नृत्य की कोरियोग्राफी वही रखी जो कि आगे जाके रासलीला में ये इसी कोरियोग्राफी के अनुसार डांस होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके जितने भी फन इत्यादि थे उनको तोड़ दिया, यानी जितने भी 1101 फन थे, 1000, 100 और 1,
ये सब के सब भगवान ने तोड़ दिया, सिर्फ एक जो मुख्य फन रह गया था सिर्फ वही रह गया था बस। भगवान को पता है इतने सारे मल्टीपल फन के साथ लेट्स हैव मोर फन विद दिस फन, एक भी फन नहीं छोड़ा भगवान ने, सिर्फ एक जो बड़ा जो मुख्य फन था सिर्फ वही रह गया। तो इस प्रकार से भगवान उस पर नृत्य कर रहे थे और कालिया ने इतना जहर निकाला निकाला निकाल निकाल के निकालने विष जब इतना निकल गया डिटॉक्स इतना डिटॉक्स जब हो गया तो ऐसे डिटॉक्स अवस्था में देन ही कुड रियलाइज कि ये व्यक्ति और कोई नहीं है, दिस इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये वास्तव में परम भगवान है। क्योंकि इस प्रकार से जो मेरा दमन कर सकता है, अरे मैं गरुड़ से बचकर के यहां पर आया था गरुड़ से मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए, लेकिन ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली है हजारों लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है उस व्यक्ति से उस गरुड़ से, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, इसके एक एक थापी के ऊपर एक एक जब पांव पड़ता है मेरे हुड के ऊपर तो जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं वो फ्लावर्स की वर्षा करते हैं, स्पेशली जब मेरा डिटॉक्स होता है जब उसमें तो है रे प्रभु और फूल। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है क्योंकि मेरे विष को तो कोई संभाल नहीं सकता, ये तो बहुत है, तो ये निश्चित रूप से परम भगवान है वास्तव में। तो इसीलिए वहां पर लेकिन जो नाग पत्नियां थी, नाग पत्नियां वैसे सोचा करती थी कि ना हमारा पति नास्तिक है बिल्कुल ही, इसका हरि में विश्वास नहीं, लेकिन ये सबके सब वैष्णवी थी शुद्ध भक्त थी नाग पत्नियां, तो पत्नियों को लगता था कभी तो भक्त बन जाए ये, कभी तो भक्त बन जाए ये। तो शुरू में तो उनकी इच्छा ये थी मतलब इसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, चोरी छुपे हमें भक्ति करनी पड़ती है, जब ये कभी सो रहा होता है तब जाना पड़ता है हमें इस्कॉन टेम्पल जाना पड़ता है, कभी चोरी छुपे जाना पड़ता है हमको, जब ये आया जाता है तो फिर हाँ जी बोलो जी क्या करें जी, बनाए विश की सब्जियां बनाए बनाए विश के पराठे बनाए, इतना अच्छा हो कि हम तो विधवा ही हो जाए। कई बार माताओं में आता है जब पति होता है ना बहुत ज्यादा खड़ूस होता है, खून चूसू होता है, सनकी होता है, एक्सप्लॉइट करने वाला होता है, ताने मारता है, कहां जा रही है तू मीरा बाई की औलाद, घर बैठ, घर कौन तेरा बाप संभालेगा, हैं बच्चे तूने पैदा किए ना संभाल उनको, तेरे हरे कृष्णा की तो ऐसी तैसी। तो कभी कभी तो वाइफ कमेंट में आता है कि ये भक्त बन जाए कितना अच्छा हो, पर कभी कभी आते तू मर जा कितना अच्छा हो, मैं विधवा होकर संभाल लूंगी। तो ये हो गए होते हैं कुछ ऐसे उजाड़ बुद्धि के, तो ऐसा ही कालिया भी था, कालिया इतना उजाड़ बुद्धि इतना जहर भरा है, इतना जहर भरा है, नहीं जब सारा जहर निकल गया तो जहर निकला तो ये रियलाइजेशन आया कि कृष्ण वास्तव में परम भगवान है, इस बात का साक्षात्कार हो पाया। उस तरह से हमारी चेतना में भी जो विष है भोग वृत्ति का जो विष है, सांसारिक अहंकार का विष है, ये काम क्रोध इत्यादि का जो विष भरा हुआ है, जैसे जैसे ये डिटॉक्स होता रहेगा वैसे वैसे कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता रहेगा, उतना ज्यादा हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग होगी दैट यस वी आर फॉलोइंग द राइट पाथ, ये कृष्ण भक्ति का जो पथ है ये सर्वश्रेष्ठ पथ है, yes. तो ये कन्विक्शन हमारी और डीप होती रहेगी। तो जैसे सूरज जब धीरे धीरे जैसे बढ़ता रहता है उसकी शीर्ष में लालिमा होती है और फिर फुल फ्लेजेड सूरज आकाश में होता है तो पूरा अंधकार छट जाता है धीरे धीरे करके, उसी प्रकार से अंधकार का कम होना और रोशनी का बढ़ना, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अमंगलता का कम होना, अहंकार का कम होना, अनर्थों का कम होना और भक्ति भाव का बढ़ना, ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। भूख का मिटना, शक्ति का मिलना, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जितनी अधिक शुद्धि होगी उतना ज्यादा कृष्ण के प्रति हमारा रुझान बढ़ेगा, हमारा कृष्ण के बारे में सुनने का, पढ़ने का, नाम लेने का और हमारा मन करेगा। शुरू शुरू मन नहीं करता, मन भागता है, कई लोग बोलते हैं जब करते हैं मन भागता है, हरी कथा सुनने का मन नहीं करता है, आते हैं तो लेट आते हैं, अभी जय राधा माधव चलेगा, फिर वो शब्दार चलेंगे, फिर ओम अज्ञान तिमिरांधस से, चलो यार 8:20 के पहले जाके क्या करेंगे भाई। तो इस तरह से हरी कथा को हम ऐसे ही लेते हैं, कोई नहीं सोचता अरे 8 बजे हमें पहुंचना है, हमें स्पीकर से पहले पहुंचना है, क्योंकि अभी हमारी हरी कथा में वासुदेव कथा में रुचि नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रुचि बढ़ती है फिर तो धोती आदि पोनी पहनी हो बंदा चलता है अरे चलो 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 कृष्ण कथा कृष्ण कथा कृष्ण कथा। तो जितना अधिक शुद्धिकरण होगा उतना ज्यादा फिर कृष्ण के प्रति हमारा भाव और बढ़ेगा। अभी करंटली वी आर कंप्लीटली इंसुलेटेड बाय कंटामिनेशंस, हृदय की दुर्बलता है जिसकी वजह से सांसारिक आसक्तियां खूब हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन शुद्धि भी कैसे होगी, कृष्ण से ही होगी। लेकिन जब नागपति ने देखा कि ना अब उनका पति अभी शुद्ध हो गया है, इतना सारा जहर निकल गया, पूरा डिटॉक्स हो गया, मेंटल डिटॉक्स भी हुआ उसका,
बॉडी डिटॉक्स भी हुआ उसका, स्पिरिचुअल डिटॉक्स भी हो गया, सारे डिटॉक्स भगवान ने एक साथ किए। यूजली जगत के अंदर ये सारे डिटॉक्स एक एक करके होते हैं, साइमल्टेनियसली होने होते हैं। शरीर का डिटॉक्स एक टाइम पे, जब वो हो जाएगा, अगर पतंजलि गए, हरिद्वार गए, किसी इंस्टीट्यूट में डिटॉक्स करके फिर वापस आए, हरी कथा सुनी, फिर मेंटल डिटॉक्स, स्पिरिचुअल डिटॉक्स, पर एक साथ ये डिटॉक्स किए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के। तो कालिया के जब सारे डिटॉक्स जब हुए, सारे के सारे डिटॉक्स हुए, सो ही बिकेम अ वैष्णव। अब नाग पत्नियां सोच रही है, प्रभु वो वैष्णव बन गया है, अब तो थोड़ा सा आराम दे सकते है। तो इसलिए कृष्ण करुणा करें, डांस कर रहे थे भगवान कृष्ण, तो इसलिए अपने बच्चों को आगे किया कि ये इन्हीं का बाप है वो, जिसको आप तो इसलिए बच्चों को आगे करके प्रार्थना करने आए, प्रभु इन्हीं का है वो। तो अब भगवान तो आपको जानते हैं इस बारे में, तो इसलिए बच्चों को आगे रख करके फिर उन्हें प्रणाम भी किया, 11 बार प्रणाम किया, जब जब स्तुतियां की उतनी बार प्रणाम किया नाग पत्नियों ने। और उन्होंने आखिर बोला, उन्हें फिर जो प्रार्थना की उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही किया, दंड देने में आपसे अधिक प्रखर, आपसे अधिक दक्ष कोई भी नहीं है। जगह दंड देना होता है तो आप हिरण्यकश्यपु को भी देते हो जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, और नरकासुर को भी देते हो जो कि आपको पुत्र रहा है, लेकिन बुरी संगति में क्योंकि भटक गया हो तो आपने नरकासुर को दंड देने में आप नहीं चुकने वाले, दूसरे दंड देने में आपके जैसा तो कोई भी नहीं है, और वास्तव में आपका दंड देना आपकी कृपा है। दंड हम किसको देते हैं, जो हमारा अपना होता है उसको दंड देते हैं। सो इन अ वे आपने कालिया को अपना मान लिया है, इसलिए तो आपने दंड दिया है। जो पराए लोग होते हैं उनको कौन दंड देता है, जो अपने होते हैं लोग उनको दंड देते हैं। तो पराए लोग होते हैं, देखिए गलती देखिए, अब थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, यही कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन जो अपने होते हैं उनको हम दंड भी दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने हमको और हमारे इस कालिया के पूरे परिवार को अपना माना है, इसलिए आपने दंड दिया। वास्तव में देखा जाए तो इसने कोई भी भला काम नहीं किया था, इसने कभी तपस्या नहीं की, कोई व्रत नहीं रखे, कोई दान नहीं दिया, कोई यज्ञ नहीं किया, ये नहीं किया, कोई भी पुण्य वाला कार्य किया ही नहीं। कोई पुण्य वाला कार्य ना करने के बावजूद भी इस व्यक्ति को यह सौभाग्य मिला है कि आपके चरणों का स्पर्श बार 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 बार, इसको क्या सौभाग्य मिला है, अद्भुत। ये सौभाग्य तो शिव जी को नहीं मिला, ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला, ये सौभाग्य कभी लक्ष्मी को नहीं मिला, प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त को नहीं मिला कभी ये सौभाग्य कि भगवान के चरणों का इतना स्पर्श, ये तो अद्भुत है। और भगवान जब नृत्य भी कर रहे थे काले के सर पे, तो काले के हुड्स पे बहुत सारे मणि भी हैं, कुछ येलो रंग के मणि हैं, कुछ ब्लू कलर के मणि हैं, कुछ ग्रीन कलर के मणि हैं, अलग अलग मणि थे जिनसे प्रकाश निकला करता था। तो भगवान श्री कृष्ण जब नृत्य किया कालिया के हुड्स पर, तो उन मणियों के ऊपर भी भगवान पांव रखते थे, और जब उन मणियों के ऊपर भगवान पांव रखते थे तो उनसे निकलने वाला जो प्रकाश था वो उन चरण चिन्हों से फिल्टर होकर के ऊपर बादलों पे पड़ रहा था। तो कहीं से ब्लू लाइट, कहीं से ग्रीन लाइट, कहीं से येलो लाइट, कहीं से रेड लाइट पड़ रही थी बादलों के ऊपर भगवान के चरणों के निशान के साथ। सो बादल अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे थे। जब से डांस भी होता है ना, डांस के अंदर लाइट्स हो और कलरफुल लाइट्स हो, देन हे पार्टी मैन पार्टी टिंग टॉक टिंग चॉक, तो वो लाइट्स वगैरह कहां से आई, लाइट्स खुद कालिया के सर पे लगे मणियों ने वो लाइट्स प्रोवाइड की, जब भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे तो इस प्रकार से उसके सर पे निशान बने हुए थे। तो भगवान ने कहा तुम्हारी ये जो चिंता रहेगी कि गरुड़ अगर यहां से जाओगे, अगर तुम, भगवान ने बोला था यहां से समुद्र की ओर निकल जाओ अपने फैमिली के समेत, यहां से तुरंत चले जाओ, ये वृंदावन में नो जहरीली एक्टिविटी आउटसाइड। तो प्रभुपाद जी जब बोलते हैं ही वेंट टू फिजी आइलैंड, सो फिजी आइलैंड से वहां चला गया था वो, लेकिन जब कभी भगवान बुलाते थे तो अभी जाता था, बिकॉज ही बिकेम द बाइक ऑफ कृष्ण एंड बलराम। भगवान मथुरा गए तो काले पर बैठ ही गए, इन वन ऑफ द पुराना इज मेंशन। तो लेकिन जब ये जाने के लिए बोला तो काले के मन में आया, लेकिन गरुड़ ने देख लिया तो भगवान ने कहा स्टैंपिंग कर दी है तेरे सर पे, स्टैंप लगी हुई है, तो इसीलिए स्टैंप देख के समझ जाएगा गरुड़, ओह सर्टिफाइड, ये तो सर्टिफाइड डिवोटी है भाई, ठीक है भाई, ओ जाओ भाई जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, तेरा मैं नूडल्स नहीं बनाऊंगा, नहीं तो जैसे सांप देखते हैं गरुड़ जी कहते हैं ओ नूडल्स, तो इसे सांप को एक साथ पकड़ कर, तो इस प्रकार से भगवान ने उनको आश्वासन दिया। और साथ ही जो नाग पत्नी है उन्होंने उनको बड़ा आश्वासन मिला, उन्होंने कहा अरे कि भगवान क्योंकि बहुत शांत है इसलिए भगवान बहुत ही फॉरगिविंग है,
ऐसी क्षमा करने के लिए मन शांत होना चाहिए। जिसका मन अशांत होता है वो क्षमा नहीं कर पाता, वो मन में ग्रज रखता है, आक्रोश रखता है, प्रतिशोध की भावना रखता है, वेंजेंस रखता है वो। तो भगवान तो यहाँ नागपति ने देखा कि भगवान ने कल्याण किया इसका, पर ऐसा नहीं भगवान ने क्रोध ने में पागल होकर के उसकी तही तेरी तेरी तही तही तू 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 तेरी तू तू, भगवान इस भाव से कल्याण नहीं किया, भगवान ने करुणा के भाव से ही उसका कल्याण किया। और भगवान ने विशेष रूप से कल्याण इसलिए किया क्योंकि नाग पत्नियां शुद्ध भक्त थी और वो सोचा करती थी, प्रार्थना करती थी कि कृष्ण काश ही हमारा पति भक्त बन जाए, ये भक्त बन जाए, ये कम भक्त है, ये कब ये बनेगा भक्त, ये है कम भक्त। तो क्योंकि नाग पत्नियों की ऐसी इच्छा थी तो भगवान ने क्या किया, नाग पत्नियों की इच्छा पूरी की। क्योंकि आप चाहते हो आपका पति भक्त बन जाए तो भगवान पतियों को भक्त बनाते हैं। और आपको लगता है आपके पति सनकी हैं, खून चूसू हैं और मुंह से ऊपटांग शब्द निकालते हैं, मुंह से AK-47 7 o'clock के ब्लेड निकालते हैं, सब सेट कर देंगे भगवान, डिटॉक्स कर देंगे पति को। ये पत्नियों के लिए भी है, कुछ की पत्नियां भी होती हैं। क्यों जा रहे हो मंदिर, क्यों जा रहे हो, घर नहीं संभालना है, घर नहीं संभालना, हाँ तुकाराम की औलाद कहेंगी ना, तो तुम जाओ भक्तियां कर लो, तुम मंदिर बस जाओ, जाओ किशमू राजबू से बोले बिस्तरा दे दे मेरे को, वहीं पड़ जाओ। तो कुछ पत्नियां भी होती हैं ऐसा, ताना मारू होती हैं, ओए होए। तो जिनकी पत्नियां ऐसी हो रखी हैं तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप ही जगतपति हैं, तो अल्टीमेटली है तो ये आप ही किए भगवान, तो इसलिए इसका मन आप में लगे। तो इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करते हैं निश्चित रूप से भगवान सुनते हैं। तो नाग पत्नियों की भी इच्छा थी कि एक दिन कृष्ण के का ये भक्त बनेगा ये कालिया। तो इस प्रकार से उनकी प्रार्थना को सुनते हुए उन्होंने भगवान ने बोला उनको, इनको स्वीकार किया, सो काले को भक्त बनाया, ही बिकेम अ प्रॉपर वैष्णव। फिर काले ने भी भगवान को प्रार्थना अर्पित की, भगवान हम लोग सांप लोग हैं ना, हमारा स्वभाव यही है जहर रखना, जहर देना जहर लेना, ददाति प्रतिगणाति, हमारा यही होता है लेन देन, इसी बात है, भूंगते भोजते चाहे वह, हम यही करते हैं, देंगे किसी को तो जहरी देंगे, लेंगे तो जहरी लेंगे, बस यही ना हम लोग, हमारा स्वभाव यही है। लेकिन इस ये सारे स्वभाव वाला आए कहाँ से, ये सारे स्वभाव आते हैं प्रकृति के तीन गुणों से, ये सारे स्वभाव आते हैं अहंकार से, ये सांसारिक परिस्थिति में रह करके ही हम लोग ये विभिन्न प्रकार के स्वभाव लेते हैं। लेकिन ये सारे स्वभाव बनाने वाला कौन है, आप। इसलिए स्वभाव को चेंज कौन करेगा, आप। इस जगत के अंदर कोई स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। मतलब नीति शास्त्र में आता है कि अगर प्याज के पौधे को चंदन के मिट्टी में बो दिया जाए और उसको गंगा जल से सींचा जाए, इवन देन प्याज तो बदबूदार ही निकलेगा। ऐसे नहीं जब चंदन में बोया हुआ प्याज जो है वो तो स्टिल बदबूदार ही होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है बदबूदार होना, कटेगा तो आंखों में आंसू देगा ही देगा, ये स्वभाव है उसका। इस जगत में कोई किसी का स्वभाव चेंज नहीं कर सकता। जिसने स्वभाव बनाए हैं, कृष्ण ने स्वभाव बनाए सारे के सारे, कृष्ण स्वभाव चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हालांकि लोग बोलते हैं अरे बिसात चेंज नहीं होती जी, औकात बंदे की चेंज नहीं होती जी, नेचर बंदे का चेंज नहीं होता, स्वभाव है कहाँ बदलने वाला है। कृष्ण स्वभाव चेंज करते हैं, स्वभाव भी चेंज करेंगे, उसके बाद भाव भी देंगे, कृष्ण भक्ति का प्रेम भक्ति का भाव भी देंगे, दैट इज कृष्णा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, प्रार्थना की, भगवान इसलिए मेरा स्वभाव अगर चेंज हो सकता है तो कौन चेंज करेगा, आप चेंज कर सकते हैं। ये जो विषैला स्वभाव है मेरा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और आज आपने स्वभाव मेरा चेंज कर भी दिया है। मैं इस प्रकार से मैं खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं कर लूं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे आगे लोग प्रार्थना करते हैं और मैं उनको आशीर्वाद दूं, या अग्नि वाली आंखों से मैं जला करके आशीर्वाद देता हूं, लेकिन ऐसा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने का स्वभाव मेरा कभी नहीं था। पर कृष्ण आप इतने दिव्य हैं, इतने अद्भुत हैं कि आपके संपर्क में आकर के मेरा स्वभाव बदल गया। कृष्णा कैन चेंज द स्वभाव, जैसे पत्थरों का स्वभाव है डूबना, लेकिन जब उनके ऊपर लिख दिया गया राम तो पत्थर तैरने लग गए। अभी रामेश्वरम यात्रा हो रही है ना भक्तों की, तो वहां जाके हमको भी दर्शन होंगे उन पत्थरों के जो कि तैरते हैं। पत्थरों का स्वभाव है डूबना, लेकिन राम जी के संपर्क में आकर के, राम नाम के संपर्क में आकर के ये तैर रहे हैं। उस तरह से हमारा भी स्वभाव है डूबना, टेंशन में डूबना, दुख में डूबना, अहंकार में डूबना, काम वासनाओं में डूबना, आक्रोश में डूबना, डूबना 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 डूबना। तैराएगा कौन, भगवान तैराएंगे हमको।
हमारा स्वभाव चेंज करेंगे। और हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर दे आर डिवोटीज जिनका स्वभाव चेंज हो गया, कृष्ण के संपर्क में आकर के स्वभाव चेंज कर देते। सो कृष्ण इज वेरी वेरी पावरफुल। इसके बाद भगवान ने कहा तुरंत यहां चले जा। तो लेकिन नाग पत्नियों की और कालिया की ये इच्छा थी कि हम भगवान की सेवा कर सकें, तो इसलिए उन्होंने भगवान कहा भगवान हम पूजा अर्चना क्या करेंगे, कम से कम थोड़ा चंदन लगा लें आपको। तो उसके बाद जो नाग पत्नियां थी और कालिया ने भगवान को बिठा करके उनको चंदन लगाया, चंदन लगाया साथ साथ में भगवान वैसे जब इनके साथ खेल आखेट कर रहे थे, इवन भगवान का कौस्तुभ मणि उसकी कॉयल में ही था। तो भगवान का कौस्तुभ मणि भगवान के पास है लेकिन उसका विस्तार भगवान ने उसके पास भी रखा, दैट यस माय ब्लेसिंग्स टू यू। तो भगवान ने इस प्रकार से कालिया का कल्याण किया। अब कालिया एक प्रकार का अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वो है ईर्ष्या। किसी को आगे बढ़ता देख करके हमारे मन में क्या आती है, ईर्ष्या। अगर कोई हमसे अधिक धनी हो, हमसे अधिक सुंदर हो, हमसे अधिक यशस्वी हो, हमसे अधिक ज्ञानी हो, तो बेसिकली भगवान के जो छह ऐश्वर्य है ना, अगर वो भगवान के बिना होते हैं तो क्या आते जीवन में, ईर्ष्या। कौन कौन से ऐश्वर्य भगवान के, सुंदरता, कोई अधिक सुंदर हो हमसे हैंडसम हो, कोई नहीं, चलना चाल देखी है, चाल तो देखो इसकी, इसकी ना चाल अच्छी ना चाल चलन अच्छा है इसका। किसी की सुंदरता देख करके ईर्ष्या होती है, किसी का ज्ञान देख करके बड़ा ज्ञानी बन रहा है अपने आपको, कोई नहीं बोल रहे, हर कुत्ते का दिन आता है बोल रहे बोल रहे, ईर्ष्या। किसी का पैसा देख करके पैसा कमाया कैसे है, हमारा सारा व्हाइट मनी है, उसका सारा ब्लैक मनी है, हमारे का नहीं, तो ईर्ष्या। यश देखकर प्रसिद्धि देखकर कहता है कोई नहीं भाई तू भी लूट ले बेटा, कोई नहीं तू यश, तू यश लोग जाएगा हम गो लोग जाएंगे, ईर्ष्या। लेकिन ईर्ष्या भला कैसे कटती है, ईर्ष्या कटती है ये कालिया दमन की लीला को बार बार श्रवण करेंगे अगर हम, तो हमारे हृदय में भी जो ईर्ष्या रूपी कालिया है हमारे चित्त के अंदर, हमारी चेतना के अंदर, इससे हमारा शुद्धिकरण हो पाएगा। वो कालिया जो है भगवान उसको डिटॉक्स करेंगे, ईर्ष्या निकलेगी हमारी। प्रभुपाद जी के पास एक भक्ति गया था, उसने बोला श्री प्रभुपाद समटाइम्स व्हेन आई सी डिवोटीज बिकमिंग बेटर इन देयर भक्ति आई बिकम एनवियस, मेरे में ईर्ष्या आती है। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या आती है कभी किसी भक्त को आगे बढ़ता देख करके, तो उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है वो देखा करो। उस भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद मैं देख तो लूंगा पर वो बड़ा मैकेनिकल होगा, मतलब बड़ा भारी होगा, बड़ा कृत्रिम होगा वो। प्रभुपाद जी ने बोला इवन वो मैकेनिकल होगा स्टिल डू इट, फेक इट टिल यू मेक इट। भले ही बाहर से प्रशंसा करो, प्रभु जी आप बड़े अच्छे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, और नहीं निकलने वाला हमारे अंदर से, इतना ही था बस, इतना मैकेनिकली इतना ही निकाल पाए हम। लेकिन ये करते 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 हमारा स्वभाव चेंज होता है, एंड वंस एप्रिसिएशन ग्लोरिफिकेशन ये हमारा सेकेंड नेचर बन जाता है, दैट मीन्स हमारे अंदर की ईर्ष्या सिग्निफिकेंट रूप में अब शिथिल पड़ गई है। पर कैसे होगा ये, हमें करना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण का जो कालिया दमन की जो लीला है इसका श्रवण करना चाहिए बार बार। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं हमारा लाभ करने वाली हैं। जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। जितना प्रपंच है भगवान को पूरी सृष्टि में लीला इत्यादि करना किसके लिए है, ये जीवेर कारणे हमारे लिए भगवान यहाँ लीला करने के लिए आते हैं, क्योंकि हर एक लीला से भगवान हमारा अनर्थ काटते हैं। या तो इस प्रकार से काले दमन की लीला पर आज हमने चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है, हाँ जी किसका प्रश्न है, यस हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। यस यस जी यस। तो माती अभी क्या यशोदा मई की भक्ति है, प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में भी पराकाष्ठा वाली प्रेम भक्ति है उनकी यशोदा मैया की। अभी हमारी कौन सी भक्ति, साधना, वैधी साधना भक्ति
रागनु का साधना भक्ति भी नहीं, वैधि साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति करने के लिए हमें करना पड़ती है सात्विकी भक्ति। अभी शुद्ध भक्ति हमारा वो तो सेकंड टारगेट है, अभी हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति वुड बी यूज एज अ स्टेपिंग स्टोन टू एंटर इनटू प्रेम भक्ति। अभी हमें सात्विकी भक्ति करनी। सात्विकी भक्ति मतलब वैधि साधना भक्ति हम ढंग से कर लें, जपा करें तो ध्यान से करें, हरि कथा सुने तो ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं, चर्चा करें, जैसे फास्टिंग जो भी जो हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं उनको अच्छे से करें, प्रणाम करें तो अच्छे से करें, भक्तों से मिले तो अच्छे से मिले। वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस सात्विकी भक्ति। जब एकदम प्रेम भक्ति आएगी फिर हम भी इसी में आए होंगे, सेल्फलेस एंड सेल्फ फॉरगेटफुल। हम भी इस परिस्थिति में पहुंचेंगे, इस अवस्था में पहुंचेंगे, पर अभी हमें क्या करना है सात्विकी भक्ति। अभी तुम्हारी सात्विकी भक्ति भी नहीं है ना, या तो रजोगुणी भक्ति है, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय डिजायर्स एंड पैशंस, या तामसिक भक्ति, यू फील डल। तो एक दिन जब हमसे निकलेंगे देन उसके दिन फिर कोई प्रेम भक्ति भी हमें प्राप्त होगी। ठीक है जी, तो भगवान को रिस्क हो जाएगा भगवान जब यहाँ पर आएंगे तो भगवान को डिस्टर्ब क्यों करें? आप चाहे डिस्टर्ब करें या ना करें लेकिन भगवान को बचाने के लिए आते हैं। सेकेंडली ही इज डिस्टर्ब्ड सीइंग अस डिस्टर्ब्ड। हाँ बिल्कुल, हमें भगवान ही आएंगे हमको बचाएंगे। होता क्या बात है, जब हम लोग भक्ति में होते हैं, जब संसार में हम लोग ठीक है, सो कृष्ण आश्रय होते हैं हमारे, कृष्ण इज आश्रय। व्हेन वी बिकम प्रेमी भक्तास देन वी बिकम आश्रय एंड कृष्ण रेलिशेज द आश्रय ऑफ प्रेम, कृष्ण प्रेम। नहीं जब तक हमें जगत के अंदर है तो क्या होना, कौन होगा आश्रय? कृष्ण हमारे आश्रय है। इसमें देखते हैं श्रीमद भागवतम के अंदर व्हाट इज इट, जो 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो 10 विषय हैं श्रीमद भागवतम के, 10वां विषय क्या है? आश्रय तत्व। एंड हु इज आश्रय तत्व? कृष्ण समम बोनम। तो इसीलिए आश्रय तत्व क्योंकि कृष्ण ही है तो इसलिए उनकी शरण में ही जाना है हमको। जैसे आज जो हमने वैष्णव सॉन्ग गाया ना, तो इसी भाव के अंदर हमें कृष्ण का आश्रय लेना है, दैट आई एम योर पेट डॉग, मैं आपका पालतू कुत्ता हूँ, मुझे आप अपने घर के बाहर चौखट बांध के रखिए, मैं कभी दुश्मन को अंदर नहीं आने दूंगा और मैं अपने भरण पोषण का कुछ नहीं सोचूंगा, जो भी वैष्णव का उच्चिष्ट मिलेगा उसी से ही अपना भरण पोषण करूंगा, क्योंकि मेरे हे कृष्ण आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो इस प्रकार से भक्त इसी भाव में जीता है, दैट कृष्ण मेरे आश्रय हैं, मैं उनके शेल्टर्ड हूँ। ठीक है, हम ये ना सोचें कृष्णों कष्ट होगा, कृष्णों कष्ट होता है कि हम संसार में पड़े हुए हैं, इससे कष्ट होता है हमको। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते हैं, पूरे शरीर में एक उंगली में अगर दर्द हो पूरी बॉडी बिकम्स अनकम्फर्टेबल। सो कृष्णा इज होल, वी आर पार्ट एंड पार्सल। तो जीवात्मा जो कष्ट में है भगवान इसलिए कंसर्न भी रखते हैं हमारे लिए, तो हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। और कृष्ण अच्छा लगता है, वो मेरी शरण में आए, वेरी गुड। संसार क्या है? कुछ नहीं भगवान के लिए, ये तो भगवान के लिए प्रपंच का स्थान है, दैट्स इट। यहाँ पर आते हैं लीला करते हैं, ही इज हैविंग गुड टाइम हियर। इवन यहाँ पर हम लोग जो संसार में फंसते हैं ना, इसका अल्टीमेट पर्पस पता है क्या है? इसका अल्टीमेट पर्पस है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की शरण में जाए। भगवान ने ये लीला करने के लिए कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें शरण दे रहे हैं, इस एक्टिविटी को रैलिश करने के लिए ये संसार का प्रपंच रचा है। नहीं तो सारे जीवात्मा बाय डिफॉल्ट गोलोक वृंदावन ही, क्या है संसार कुछ नहीं है, किनारे नक्की करो। बट कृष्णा इज वेरी प्लेफुल गॉड, तो भगवान को अच्छा लगता है। अब जैसे ना कभी कभी क्या होता है, लड़के ना किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए अपने ही दोस्तों को भेजते हैं, कहते वो मिरांडा कॉलेज से बाहर निकलेगी, तुम लोग उसको छेड़ना, फिर वो आगे चल रही होगी, आगे मैं आ जाऊंगा, फिर मैं तुम लोगों को पीट दूंगा, तुम लोग भाग लेना। अच्छा ठीक है, तो लड़की मिरांडा कॉलेज से बाहर निकलती है और इसके पीछे पीछे लग लेते हैं, इसी के दोस्त हैं, और ये गुंडे बन के इसी पीछे जा गए, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले। और लड़की हो गॉड ये गंदे बदमाश गंदे, और ये आगे चलना शुरू कर देती है, तभी सामने से लड़का आया था मेन हीरो जिसके दोस्त हैं ये लोग, और कहती है एक्सक्यूज मी ये लोग ना मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे मैडम चिंता मत करो, तुम्हारी थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। वेल दैट्स ओके, आपके क्या नाम क्या है आपका?
मेरा नाम नेहा। ओके नेहा जी, आप चिंता मत करिए, आप मेरा नंबर लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए। कभी कोई दिक्कत हो आप मुझे याद करेगा। अब कहाँ रहती कहाँ है? मैं यहाँ रोहिणी में ही रहती हूँ, इस्कॉन टेम्पल के पास में। मेरा घर भी वहीं आस पास ही पड़ता है। आई थिंक ये गुंडे आपको फिर से पीछे ना करें, एक बार आप मेरी बाइक पे आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। फिर घर भी होना हो गया, मम्मा इन्होंने मेरी रक्षा की थी। बस माता जी, जीवन भर रक्षा कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अरे तो ये गुंडे भेजे किसने? ये इसी के दोस्त हैं। इस तो संसार की जितने भी है ना, काम करो लोग, ये भगवान की शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कोई सेपरेटेड, ये कोई दूसरी सृष्टि से आ रहे हैं। पर अल्टीमेटली काम करो लोग, ये वो फला डिमका, ये अहंकार, ये सारे गुंडे लोग हमारे पीछे पीछे हैं। तो हमें क्या करना है? कृष्ण वाले, कृष्ण ये गुंडे, कृष्ण यार चिंता मत करो जीवात्मा, मैं देख ला काम करो तुम्हारा तो। लेकिन सोचे अगर ऐसा हो कि ना, अगर दोस्त भेजे गुंडों को और लड़की गुंडों से प्यार कर बैठे, तो ये लगेगा अब भाई सारा प्लान ही चौपट हो गया यार, ये तो उन्हीं से प्यार कर लिए। तो जगत में हम लोग भी यही कर रहे हैं, काम करो दोस्त से प्यार कर बैठे हैं। आई लव लस्ट, आई लव एंगर, आई लव ग्रीड। भगवान सोचते हैं अब गुंडे भेजे थे कि तुम मेरे पास आओगे, तुम गुंडों से प्यार कर बैठे तुम तो। अरे क्या जीव आत्मा, अरे तो हम सोचे भगवान को बड़ा कष्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, कष्ट नहीं होगा, पर्पस यही है उनके पास जाना। फिर कृष्ण आके अपना खेल खेलेंगे, ए क्या रे काम करो, ओ सॉरी चार ले अपन लोग, भाग लेंगे लोग। सो दैट्स द पर्पस ऑफ क्रिएशन, कि हम भगवान से प्रार्थना करें, फिर कृष्ण हमको बचाएं। ये सारा बड़ा रोमांचकारी है ना सारा कुछ, तो इससे उस रोमांच का अनुभव भगवान भी करते हैं, भक्त भी करता है। सो दैट इज द नेचर, दैट्स द रोल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? इसलिए बनाई, इसलिए बनाई ताकि हम अपनी चॉइस को रिफॉर्म करके कृष्ण को चूज करना शुरू करें बार 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 बार, एंड देन दे हैप्पीली लिव देयर आफ्टर द एंड। दैट्स अ पर्पस। ठीक है जी, हाँ जी, यस माता जी, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ हम भी भक्तों को तंग करेंगे तो भगवान उधार जल्दी करेंगे। हाँ जी, देखिए हमें समझना है कृष्णा लीलामय है। इट्स अ नेचर ऑफ गॉड टू बी प्लेफुल। गॉड इज नॉट जस्ट ग्रेट, जैसे अब्राहमिक रिलीजन के अंदर क्या है, गॉड इज ग्रेट, ही इज अप देयर इन द हेवन एंड गॉड इज ग्रेट। लेकिन सनातन धर्म है विच डिस्क्राइब्स गॉड नॉट जस्ट ग्रेट, एट द सेम टाइम ही इज वेरी प्लेफुल। तो इसे काले खाना, उनका मूर्छित हो जाना, फिर कृष्ण का बाकी सब जितने भी गोप इत्यादि हैं इनको फिर रिवाइव करना, it is all part of playfulness of God. It's playfulness. तो कई बार लोग बोलते हैं लेकिन इसकी जरूरत क्या है, ऐसे ये सब करने की क्या जरूरत है? भगवान की लीलाएं ये जरूरत वाले डब्बे में नहीं आती, भगवान की लीलाएं आती हैं प्लेफुलनेस में आती हैं। और प्लेफुलनेस कौन, प्लेफुलनेस वाला कौन करता है? जो व्यक्ति बहुत आनंद में होता है ही इज प्लेफुल। जो व्यक्ति आनंद में होता है, जो व्यक्ति बहुत बुझा बुझा सा है, अंदर से डार्क है, अंदर के अंधकार में वो गुम है, वो प्लेफुल नहीं हो सकता। बिकॉज कृष्ण इज वेरी हैप्पी, रसो वैसा, वो रस की साक्षात मूर्ति है। सो इसीलिए रस की मूर्ति होने की वजह से अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण है, तो आनंद से भरे हुए हैं। सो दैट्स वाई गॉड इज बाय नेचर ही इज प्लेफुल। इसे व्यक्ति को बहुत खुश होता है ना तो डांस कर रहा होगा वो, तो लोग बोलते हैं अभी क्यों डांस कर रहा है, कहते खुश नहीं यार, करने देना यार। मैं तो एक बंदा था, वो घोड़ी चढ़ा था, वो इतना खुश था, वो एक्चुअली उसकी ना बहुत लेट मैरिज हुई थी, 6 साल ढूंढने के बाद जाके उसको कोई वो लड़की मिली थी,
मांगलिक थी, यही मांगलिक, ए मांगलिक लड़की मिल गई मेरे को, मेरी शादी हो रही है यार। ओ भाई घोड़ी से कूद करके उसने डांस शुरू कर दिया, उसी में हार्ट अटैक आया वहीं पर। तो हम तो प्लेफुल हो नहीं पाते, यहाँ प्लेफुल होते होते हो गया काम। बट गॉड इज प्लेफुल इन नेचर बिकॉज ही इज रसो वैसा। तो इसलिए ऐसा वहाँ काले का आना, बेहोश होना, फिर वो काले का डिटॉक्स करना, फिर उनको रिवाइव करना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्लेफुल नेचर ऑफ गॉड। और प्लेफुल होने का मतलब ये नहीं वो भगवान नहीं है। कई बार इस दुनिया में ऐसे कुछ ऐसे मतलब रद्दी गुरु भी है, कृष्णा ही इज अ प्ले बॉय, ही इज अ प्ले बॉय, ही इज प्लेफुल, बट ही इज नॉट जस्ट अ प्ले बॉय। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लेफुलनेस, दैट्स एन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ गॉड। और ये चीज सिर्फ सनातन धर्म में ही बताई गई है, दैट हाउ गॉड इज वेरी प्लेफुल। और स्पेशली सनातन धर्म में भी जो गॉडीय वैष्णविज्म है, इसके अंदर भगवान की प्लेफुलनेस फुल फ्लेज्ड एक्सप्लेन की गई है। सो व्हाट वी सी टुडे इन द काली लीला, आज जिसमें जो चर्चा की हमने, ये बताता है भगवान की प्लेफुलनेस। ठीक है जी, ओके okay. एक तो है कि ना माता, हर एक लीला जो है उसको देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे कुछ जो आचार्य हैं वो तत्व पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक श्री जीव गोस्वामी जैसे आचार्य हैं, दे फोकस मोर ऑन तत्व सिद्धांत, रस भी लेकर के आते हैं। ऐसे नहीं श्री जीव गोस्वामी रस नहीं है, समबडी रीड्स गोपाल शंपू, अरे रस की बौछार है उसके अंदर। बट सम आचार्य से फोकस ऑन दी रस पार्ट, सम ऑन द सिद्धांत पार्ट, सम ऑन द टीचिंग्स पार्ट। इससे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट करते हैं एक ही लीला के अंदर। दूसरी चीज़ है, एक ही भगवान की लीला अलग अलग प्रकार से भी की हुई है। इसमें मैंने बताया ना कि कालिया वॉज यूज एज अ बाइक बाई कृष्ण बलराम टू रीच मथुरा। अक्रूर जी को बोला अब आ गए, चलिए हम बाइक पे आ रहे हैं अपनी। अब ये इस बार में नहीं हुआ, ये भगवान ने पहले कभी जब लीला की, काले दमन की जब लीला की थी, काले दमन लीला में तो भगवान ने ऐसा भी किया, भगवान ने बुलाया कालिया कम कम फास्ट, कम फास्ट, डोंट बी स्लो, बैठे खाए। सो इवन कंस और ये भी हैरान थे, ऐसी बाइक उन्होंने कभी देखी नहीं थी, दे वर एस्टॉनिश्ड। तो भगवान एक ही लीला को विविध प्रकार से करते हैं। जैसे कि अब ये शूर्पणखा है, शूर्पणखा कभी कभी रावण की बहन बनती, कभी उनकी बेटी बनती है। तो एक ही लीला भगवान अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को मारना है, ऐसा नहीं हर बार चीर फाड़ी करते हैं नरसिंह भगवान जी, ना ना ना, एक बार तो नरसिंह भगवान ने कस के चपेट मारी, कोई चीर फाड़ नहीं, एक बस खिंचा करके उसी में ही हिरण्यकश्यपु डन। तो इसीलिए भगवान एक ही लीला को अलग अलग प्रकार से भी करते हैं। आश्री मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही अंतर है। मटेरियल वर्ल्ड में दिखती बहुत वैरायटी है, लेकिन अंदर सेम माल है, इनसाइड इट इज ऑल सेम। बाहर से बहुत वैरायटी दिखती है। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बाहर से एक ही दिखता है सब कुछ, अंदर जाओ बहुत वैरायटी है। जैसे जो निराकारवादी होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पे रहते हैं, कहते हैं एक ही है अद्वैत, नॉट टू वन, सरफेस पे रहते हैं लोग। जैसे ही अगर गहराई में जाएंगे ना, सिद्धांत के, तत्व के, भक्ति भाव में जाएंगे, डाइवर्सिटी, वैरायटी। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में अंतर है। मटेरियल लाइफ एक्सटर्नल से बहुत वैरायटी दिखती है, अंदर से वो एक ही माल है, वही सेम चमड़ा ही है, प्रोटीन। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दिस, बाहर से एक दिखती है, वही हरे कृष्णा कर रहे हैं, वही सेम, वही मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा, अनाउंसमेंट, जपा, जपा में सोना, गुरु पूजा, उसके बाद फिर ये भागवतम क्लास, भागवतम क्लास से बाकी नींद उसे पूरी, फिर जय महाप्रसाद गोविंदे, वही सेम ही है। लेकिन सालों साल करते 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 पता लगता है, अरे भाई इसी में ही अंदर बहुत वैरायटी है। हाँ, दैट्स द नेचर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है जी, हाँ जी, और हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।
हमारा ये विचार है आप किसी भी दिन भक्तों को बुलाइए, हरि नाम संकीर्तन कराइए, ऐसे प्रभुपाद जी ने चतुर्मास को बहुत वेटेज नहीं दिया, अभी हम लोग काफी वेटेज देते हैं हालांकि, नहीं प्रभुपाद चतुर्मास को इतना वेट कभी नहीं दिया, तो हम लोग बस ही फॉलो कर लेते हैं, वो पालक नहीं खानी, वो दही नहीं खाना, दूध नहीं पीना, उड़द दाल, बस इतना हो गया, जय चतुर्मास। करना क्या है, एक्सेलरेटेड हाइटेंड हरिनाम संकीर्तन एंड हरि कथा, ये करना चाहिए, दैट्स इट, ये करिए, सब शुभ ही शुभ है, चतुर्मास भी खुश होता है, कीप इट अप सर, ऑल द बेस्ट। ओके, और यहाँ यस, ये माताओं के प्रश्न हो गए, नहीं तो पुरुष मुक्ति मोर्चा वाले खड़े हो जाएंगे। देखिए उनके केस में था, नाग पत्नियां बार बार प्रार्थना कर रही थी, सालों साल प्रार्थना की उन्होंने, हमारा पति भक्त बन जाए, हमारा पति भक्त बन जाए, नहीं बनता तो मर जाए, तो सो दे वर वेरी डेस्परेटली प्रेइंग टू कृष्णा, बहुत हृदय से प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए फिर क्योंकि उन्होंने इतने हृदय से प्रार्थना की तो इसलिए फिर जबकि उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, काली ने कोई तपस्या कोई यज्ञ इत्यादि कुछ नहीं किया, इवन देन ही वाज ब्लेस्ड, इसलिए हमें भी भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा कल्याण करेंगे, तो इसलिए वैष्णवों से हमें ये निवेदन करना चाहिए कि वो हमारे लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, ठीक है जी, सो देन इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। यस, हाँ जी, यस, हाँ बोलो बेटा, यस, हरे कृष्ण बेटा, प्रभु जी, हरे कृष्ण, नाइस, वेरी गुड, हम खाना खाते हैं तो पता लग जाता हमारा पेट भर गया भाई, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो भला कैसे कैसे पता चलेगा कि भक्ति हम वाकई में हमारी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे हम जब खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो पेट भरा भरा हो जाता है और शरीर में स्फूर्ति भी आती है, मतलब ताकत भी आती है, यस, चरणामृत पीने के बाद विशेष रूप से शक्ति का संचार होता है, जब निर्जला एकादशी के बाद जब चरणामृत जाता है अंदर, एकदम से संचार होता है, तो शक्ति का संचार भी होता है, भूख भी मिटती है, राइट। उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, सांसारिक तृष्णाएं हमारी कम होनी चाहिए, तो क्या सांसारिक तृष्णाएं कम हो रही हैं, या पहले 1000 किलो थी अब 990 किलो रह गई हैं, कम हुई है, यानी भक्ति चल रही है, साथ साथ में क्या स्पिरिचुअल नरिशमेंट फील होती है हमको, मतलब लगता है कि हाँ मेरी जो एक अंदर की मेरी एक नीड है, हमारी एक स्पिरिचुअल नीड होती है, वो क्या वो पूरी हुई, क्या मैं आज मेरी आत्मा ने तृप्ति का अनुभव किया, यस किया, क्या अगली बारी में हरिकथा में दौड़ते हुए आऊंगा, यस, यानी कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति लीड्स टू मोर भक्ति, अगर आप भक्ति वाकई में कर रहे हैं तो भक्ति और करने की इच्छा होती है, जैसे गुड चैंटिंग लीड्स टू मोर चैंटिंग, जैसे अगर वो पूछे कि हम कैसे पता करें कि मेरी जपमाला आज अच्छी हुई कि नहीं हुई, मेरा चैंटिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई, वेरी सिंपल, चैंटिंग करने के बाद अपने आप से पूछिए, स्पेशली 16 करने के बाद, 17वीं करें कि ना करें, अगर जवाब है छोड़ना भाई हो तो गई 16 यार, बस स्यापा खत्म हुआ है, अब कल सुबह से पहले शक्ल नहीं देखनी इसकी, यानी कि 16 माला अच्छी नहीं हुई, और यदि 16 माला के बाद आपको लगा एक और कर लेते हैं यार, एक से क्या जाता है, नहीं मैनेज हो जाएगा टाइम, बाकी हो जाएगा काम सारे मैनेज हो जाएंगे, अब एक और कर लेते हैं,
इसका मतलब चैंटिंग अच्छी हुई. गुड चैंटिंग लीड्स टू मोर चैंटिंग. सो आप जब भक्ति कर रहे होगे तो भक्ति के बाद क्या होता है, भक्ति चाहती है भक्ति और बढ़े. तो इस प्रकार से हम अपना आत्मनिवेशन कर सकते हैं, यस हम भक्ति में सही से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं. ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. हाँ जी, यस हरे कृष्णा. बिल्कुल करवा सकते हैं, ये तो बिल्कुल है सवाल है प्रभु जी. अगर कोई बीमार है तो क्या उसको दवाई खिला सकते हैं? क्या जवाब होगा उसका? बिल्कुल खिलानी ही है. तो जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, डंगड़ी वंगड़ी तोड़ रहे हैं, कीवा बना के खा रहे हैं रुमाली रोटी के साथ सीख कबाब, तो ऐसे रुमाली रोटी सीख कबाब वालों के पास तो चैंटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लोग बीमार लोग हैं. ये जो शाकाहारी लोग हैं वो तो ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड कैंडिडेट्स, लेकिन जो मांसाहारी हैं इनको तो जरूर देना चाहिए. ये नॉनवेज जिनको खाने का इतना शौक पड़ा हुआ है, ये नॉनवेज खाएंगे हरे कृष्णा करेंगे, नॉनवेज खाएंगे हरे कृष्णा करेंगे. फिर हरे कृष्णा करते 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 ये नॉनवेज से आ जाएंगे नान और वेज पे. इन्हें नान स्टफ नान पनीर नान पर ये शिफ्टिंग होगी कैसे? ये शिफ्टिंग होगी माई चैंटिंग हरे कृष्णा फ्रॉम नॉन वेज टू नान एंड वेज. ठीक है जी, और कोई सवाल? यस आखिरी सवाल, आखिरी सवाल किसी माता से लेते हैं. हाँ जी, किसका सवाल है? हाँ जी हरे कृष्ण माता जी. मटेरियल डिजायर के लिए विश करेंगे तो हम कृष्ण से करेंगे, देवी देवताओं से नहीं करेंगे. देवी देवताओं से हम एक ही मांगेंगे चीज, हमें कृष्ण चाहिए. लेकिन अगर भौतिक इच्छा भी हो तो किससे मांगेंगे हम? कृष्ण से. कृष्ण हमारी भौतिक इच्छा इस प्रकार से पूरी करेंगे कि वो भौतिक इच्छा रहेगी नहीं, मतलब उसको पूरा भी करेंगे और उसको पूरा नहीं भी करेंगे. ये आर्ट, ये साइंस कृष्ण के पास ही है. लाइक वंस आई वाज शेयरिंग, मेरा एक दोस्त था, उसको बड़ी इच्छा थी मैं सुंदर लड़की शादी करूंगा, जिंदगी में और कुछ करें ना करें यार सुंदर लड़की शादी करेंगे. तो उसने बड़ा रिसर्च करके चंडीगढ़ की एकदम मक्खन का पेड़ा लड़की चुनी उसने. शादी वादी हो गई, अब शादी हो गई, शादी और पता लगा उसको कि ना जब कभी शी वुड फील एक्साइटेड तो उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता था उसको. भाई कई कारण होते हैं एक्साइटमेंट के, राइट? तो जैसे एक्साइटेड हो गई और उसकी वो झाग वाग निकलनी शुरू हो गई, अरे बहन रुक जा, कुछ नहीं कर रहे हम, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हम, चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करें. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. इच्छा पूरी हुई? हुई, लेकिन ऐसी हुई कि अरे बस भैया हो गया, क्या ये मक्खन के पेड़ा भाई, जय हो, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. यस, ये सब कुछ है. तो उसके लिए उसकी पत्नी है सुंदर है, उसको देखता है लेकिन थाम था, नहीं संभाल ले भाई, वो एक्साइटेड होगी ना. नहीं, तो भगवान जानते हैं कैसी इच्छाओं को पूरा भी करना है, उनको फ्रस्ट्रेट भी करना है. ये कला सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही है. तो इसे कभी भौतिक इच्छा लेकर देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए. भगवान जानते हैं हमारी कौन सी इच्छा पूरी करेंगे, उस इच्छा से हमारी भक्ति का नुकसान नहीं होगा. भगवान ही जानते हैं, देवी देवताओं में अकल नहीं होती. देवी देवता कहते हैं हाँ भाई आहुति हुई दक्षिणा हुई तथास्तु. तो उनको वो इतना नहीं सोचते इससे इसका क्या भला होगा बुरा होगा लॉन्ग टर्म में, भाई हमको चाहिए था हमारा दानवान हो गया, दैट्स इट. तो कर्मकांड, इसलिए कर्मकांड इज नॉट रिकमेंड. कर्मकांड में यही है, देवताओं से मांगो दे देते हैं, लेकिन हमें मांगना चाहिए कृष्ण से. कृष्ण इस प्रकार से देंगे, वो देंगे जिससे हमारी भक्ति ना रुके. जैसे किसी देवी देवता से हमें नहीं मांगना चाहिए. कई बार लोग कहते हैं ये अंगूठियां अंगूठियां ये गोमेद पुखराज मोती ये वो, ना 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 ना, ना. कुछ नहीं पहनना चाहिए. गले में तुलसी कंठी माला आ गई ना, बस
अब ना ये हीरे मोती पुखराज पन्ना बत्तीस रती का ये वो कुछ नहीं, कृष्णा कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कृष्ण पे, इसी के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। सो इसलिए और हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सो कृष्णा विल प्यूरिफाई अस, हमारी मटेरियल डिजायर से वहां ठोकेंगे पीटेंगे, प्यार भी करेंगे पैम्पर भी करेंगे, सब तरह से हमारी शुद्धि ही करेंगे, दैट इज कृष्णा। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें कृष्ण पे। माते देखो संगति का तो लाभ सब जगह मिलता है, दारू पीने वाले लोग भी ना जब मैं खाने बैठे होते हैं तो 15-20 पैक लगा लेते हैं, नहीं घर में होते हैं तो 10-2-4 पैक लगा कर गए बस, उसके बाद हो लेते हैं वो, दैट्स इट। क्योंकि अकेले में तो नशा चढ़ता है नशेड़ियों के संग में ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर। तो सेम स्पिरिचुअलिटी के साथ भी है, जब संगति में भक्ति होती है तो उसका नशा ज्यादा चढ़ता है, उसका सुरूर ज्यादा चढ़ता है। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में रह करके जितनी अधिक हो सके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग घर की जिम्मेदारी भी देखते हुए, हमें भक्तों के संग में साधना ज्यादा करनी चाहिए। अगर आप संग में नहीं कर सकते अपने आसपास की माताओं को इकट्ठा करिए तब जपा करिए। जैसे मैंने देखा आजकल कई लोग जूम पे जपा कर रहे होते हैं, तो वर्चुअली दे आर कनेक्टेड, और वीडियो ऑन रखना है, यानी वीडियो ऑफ और जपा चल रहा है वहां पर, ना 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 ऐसा नहीं, तो वीडियो ऑन करके कई लोग जपा करते हैं। सो इस तरह से वर्चुअली से अगर रियल में दैट इज बेस्ट, नहीं आ सकते देन वर्चुअली गेट टुगेदर एंड डू साधना टुगेदर, उससे फर्क पड़ता है। संग में शक्ति है कलयुग में ना, इसलिए ओके यहीं पे विराम देंगे हम, टाइम काफी हो गया है, 5:45 बज चुके हैं, मुझको भी भागना होगा अभी। आशा का धन्यवाद, काली दमन लीला की जय।